असलकुम असद अमान एंड वेरी स्पेशल गेस्ट आज मिस्टर शहजाद गयास हिमसेल्फ सेल्फ फ्राम द पाकिस्तान एक्सपीरियंस शहजाद भाई क्या हालचाल है सर जबरदस्त थैंक यू सो मच सर आपने बुलाया शहजाद भाई अभी जिस तरह हम पहले भी आपको बता रहे थे यू आर द फर्स्ट गेस्ट इस पॉडकास्ट पे हु आई वुड से एक वेल नोन पर्सनैलिटी यानी कि जाहिर सी बात है और भी गेस्ट हैं बट आई डोंट थिंक उनको कोई जानता है

उन्होंने फौरन सोचा कि यार एक एक टिकटॉक वायरल मोमेंट तो मिल जाए <laughs> नहीं तो फिर आप शहजाद भाई ये टिकटॉक बनेगा शहजाद भाई आप यहां क्लेरिफाई करना पड़ेगा कौन सा मजा मिलो तो शहजाद भाई आप पहली बार कब अमेरिका गए थे 2013 में इट्स वेरी नाइस आप काफी मेहनत करके एज एन एडल्ट गए थे अच्छा तो कुछ नहीं यार क्यों बस करते हैं okay, एक जूस निकल चुका है सारा जूस निकल चुका है एक चीज का

कॉमेडी या तो बिग बैंग थ्योरी उसको नहीं पसंद आएगा राइट right? अब दैट लाइक फॉर इंस्टेंस कॉफ़ी है अब कोई मतलब वाकई कॉफ़ी उसको पसंद है और उसको अपनी बीन्स आ, ब्रू करने का शौक़ है हुँ. उसको आप सड़क की कॉफ़ी पिला देंगे तो बुरा बोलेंगे नॉर्मल लोगों के लिए वो ठीक है सो हॉर्सेज फॉर कॉर्सेज वाली बात है अगर आप मासेस के लिए एक डम सा कंटेंट बना रहे हैं तो बिग बैंग थ्योरी उसमें ठीक है वैसे कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पसंद है Uh, देखने में बट स्टीव करेल इज अमेडी जीनियस तो वो स्टीव करेल हैज मेड द शो व्हाट इट इज मे बी इवन इफ लोगों को लगता है कि द राइटिंग इज सुपीरियर जवेज वाले में बट स्टीव करेल ह्यूमनाइज बहुत ज़्यादा कर देता है माइकल स्कॉट को लाइक कैमरा like के अंदर देखना और जो एक एनर्जी वो लेके आता है उसके अलावा वो आपको बुरा नहीं लगता हाँ, काफी तो बड़ी हाँ वो काफी बड़ी so, वो लाइन टो करना इतना आसान काम नहीं है जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं अगर वो मैं सिर्फ लिख के दे दूँ आज के ज़माने में जहाँ फ्रेंड्स भी कैंसिल हो रहा है ये हो रहा है तो ऑफिस कैंसिल नहीं हो रहा जबकि ऑफिस ने ज्यादा आगे जाकर

जिस तरह फॉर्स मॉडर्न फैमिली अगर आपने देखा हो कैम और जैसी टाइलर फर्गसन का कैरेक्टर का क्या नाम था जो वो जो एक एक कपल दिखा जी रहा है। जी, जी। जी। वो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि ये घुसाया हुआ है मॉडर्न फैमिली आई थिंक एट द एज ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन डिबेट इतनी प्रेवलेंट नहीं थी वो फ्रेंड्स टाइप का एरा ख़त्म हो रहा था और अब जो रिप्रेजेंटेशन एज बिकम फ्रंट एंड सेंटर वो चीज़ नहीं आई थी मॉडर्न फैमिली एक बहुत अच्छा शो है उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है बट आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि बस नाम की घुसाई हुई है फॉर में अगर रिप्रेजेंटेशन रे की बात करें इन फिल्म एक वी आपको कैसा लगा था कि डार्कर स्किन पाकिस्तानीज को जब उस ड्रामे में रिप्रेजेंट किया था जब हमारे एक एक्टर ब्लैक फेस करके आए थे वो कौन सा ड्रामा था यार

और और उसका गो टू था कि फटे हुए कपड़े मुंह काला कर लो। Although, अपने लगाते हैं नहीं, तो nice. मैंने या तो हम ऐसे मुल्क में रहते जहाँ आपको नहीं मिलते या तो एक स्ट्रगल होता है पाकिस्तान में डार्क स्किन लोग नहीं मिल रहे <laughs> मजबूरी में, में किसी को करना पड़ेगा तो समझ में भी आती है यू एस मजबूरी आप तो नहीं, 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 नहीं कर रहे ऑनलाइन डिस्कोर्स में काफी हुआ हुआ था ब्लैक फेस जब आप अमेरिका में करते हो ना उसकी एक तारीख है हैं तो उसमें हमेशा ये होता था कि कोई गोरा कैरेक्टर ब्लैक फेस करके आ, काले लोगों का कैरेक्टर बना के उसमें दिखाया जाता था कि इससे तो बेवकूफ़ एहकाना कोई इंसान ही नहीं है पालों में हड्डी लगाई हुई है नाक में केला तो आपके ना पूरे परसेप्शन इन सोसाइटी बना दिया गया था कि काले लोग जो होते हैं वो तो बेवकूफ होते हैं तो जानवरों से ज्यादा करीब होते हैं वो बंदर होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं सो दैट प्लेज इन टू द इंटायर रेसिस एटीट्यूड इट्स इन इटर्नल डिबेट ऑब्वियसली इट्स सिम्बियाटिक रिलेशनशिप के भाई कॉमेडी क्रिएट्स कल्चर कल्चर क्रिएट्स कॉमेडी यहाँ पर अक्सर हम अगर हमारी कॉमेडी देखें भाई क्या हो गया आप पठानों का मजाक उड़ा रहे हैं पठान होने पर तो उसमें मसला क्या है ये तो हम सब करते हैं सर उसमें मसला ये है कि फिर जब आई डी पीज़ का इशू होता है तो आपके पंजाब के जो मिनिस्टर हैं वो टी वी पर आकर कहते हैं हम पशतूनों को पंजाब में नहीं आने देंगे और उनको ये बात गलत भी नहीं लगती और उस टाइम मैंने कुछ लिखा था बट इतना कोई ऑनलाइन वो कैंसिल भी नहीं हुआ था इस बात पर ये नॉर्मल लगी थी उनको बात आ, हमें नॉर्मल लगता है हम बोलते हैं यार ये सारे अफगानी आ गए इसलिए हमारा कल्चर तबाह हो गया तो भाई नहीं करते जंग वहाँ नहीं लेते डॉलर्स उनको लाने के लिए हमें ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं बिकॉज़ हम जब कॉमेडी देखते हैं वो बार बार वही आइडिया री हो रहा होता है इन समहाओ सब कॉन्शियसली वो आइडियाज़ आपके दिमाग में एम्बेड हो जाते हैं कि अच्छा यार ये कम तरह है अब मैं सारे बचपन जोक सुनूँ से, सेंटा सिंह था बंटा सिंह था पठान था मैं इनफैक्ट 2015 में जब वापस आया तो मुझे एक टीवी शो ऑफर हुआ था एंड उसके स्क्रिप्ट भी वही लिख रहे थे जो डायरेक्ट कर रहे थे मैं गया रीडिंग पे और बकरा ईद स्पेशल था बोला हमने बहुत एक वो स्केच लिखा है मान जी क्या है स्केच ये है कि एक पठान आदमी जाता है बकरा मंडी और वो बकरे की जगह गधा ले आता है मैं उनको देख रहा हूँ मैंने अच्छा इसमें कॉमेडी के कॉमेडी है ना वो पठान को पता नहीं था बकरा और गधा क्या है तो उनको सीरियसली लग रहा था ये फ़नी है और ये हम कंटेंट बनाएंगे और हम ये कंटेंट दिखाएंगे अब ये एक स्केच है डजन अच्छा चलो यार एक स्केच हो गया पचास हज़ार जब इसी तरह के हर जगह आए तो वो कहीं ना कहीं तो आपने आइडिया लोगों के दिमाग में डाल दिया है ना

डीएचए के घर में आदमी रहता है जो आउडी में बैठ के सेट पे आता है और फिर दुपट्टा पहन के बोलता है जी मर्द के पास तो कोई पावर ही नहीं सी तो ये ओवर आज बड़ी सेंसिटिव हो गए हैं लोग इनको ये ऐसे मजाक भाई तो दूसरा भी तो करो दूसरा भी तो करो यहाँ पर अगर कोई औरत आ कोई फेमिनिस्ट आकर बोल दे कि यार मर्दों ने पाकिस्तान में ये किया है तब तो पूरा एक तो आप टॉर्चस लेके आ जाते हैं कि सम नॉट ऑल मैन जी सर उपल्टा हर जॉक का एक टारगेट होता है ठीक है मैं कुछ बातें करता हूँ और वो लोग बोलते हैं तुम जो क्रिटिसाइज करो वो ही नहीं करो नहीं टारगेट अलग है टारगेट अलग है लाइक like, इवन मैं सेक्शुअल कॉमेडी करता हूँ लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं बट अगर कोई आके पूरा शो देखे तो उसको समझ में आएगा कि मैं

हाथी चूटी जोक्स कर रहे हैं जिसकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है आज सच वन केन डिबेट के उसकी पॉलिटिक्स क्या है बिकॉज द डिसीजन टू बी ए इज अ उस डिबेट को अगर सेटिसाइड कर दें वी गेट टूगेदर वी लाफ एट मीम्स सिली आई एम फैन ऑफ सिली आई लव सिली आई हैव नो इशूज विद सिली आई हैव इशूज के आप अगर किसी शादी पर जाए सारे मर्द बैठे हैं ओ तेरा जीएचक्यू तो तेरी बीवी है हा अब वो करोड़ों साल से वही जोक्स हो, हो रहे हैं नो पर वही मार घर जाके अपनी बीवी को मारना शुरू कर देते हैं वही मर सेम लोग हैं सेम लोग हैं दैट्स माय प्रॉब्लम आई थिंक वो जीएचक्यू को वाकई में डिक्स्टपोस करके वो आई थिंक बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि आई जस्टेड द जिम लुक ये ऑफिस की टीम के साथ लगा दीजिएगा द प्रॉब्लम इज कि फ्रीडम ऑफ स्पीच टू वेज होती है इफ़ यू कैन क्रिटिसाइज से एनी पठानस देन यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट क्या कहते हैं प्रॉब्लम जो आई थिंक सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इसको फेस होती है इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या राशि भाई जब आपने स्टार्ट किया था इसमें अगर मैं चाहूँ पाकिस्तान में आपको क्या लगता है सबसे डॉमींटिटी क्या है पंजाबी

अमीर पंजाबी पेंडू नहीं गरीब पंजाबी पेंडू है एक्चुअली आल्सो पेंडू इज अ स्टेट टाइप ऑन पुअर पीपल नॉट पंजाबी यू थिंक पेंडू इज अ क्लास सॉर्ट ऑफ इंसल्ट यस पंजाबीज ने, ने, sort of yes, ने पेंडूज भी ओन कर लिए अब पेंडू होना बड़े फखर से वो बता बट पेंडू में ऐसा नहीं बट लाइक आई फील लाइक लाइक ऑलमोस्ट लाइक इट्स पंजाबी पेंडू जोक्स आर लाइक ट्रक आर्ट लाइक बहुत ही लाइक ओवर डन और हर जगह ही वो मतलब यू नो आई गेस ही इज राइट देयर इज नो ट्रकाट की तरह ना हर जगह थोप के उन्होंने वो नहीं कर लिया अगर अभी हम चल रहे हो और दो कोई लोग पंजाब में हाथ पकड़ के चल रहे हो हम कोई ऐसा रिएक्ट नहीं करेंगे वही आप एथनिसिटी बदल दें और लोगों का रिएक्शन देखें hmm. तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है ना फर्क right. पड़ता है right. जब आपने पॉडकास्ट बनाई थी शुरू अपनी की थी और कॉमेडी क्रिएट कर रहे थे तो हमें एक प्रॉब्लम फेस हुआ अभी आई एम गेसिंग आपको तो हमारे से ज़्यादा लार्ज स्केल पे हुआ होगा मोस्ट लोग जो सुन रहे होते हैं उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच टू वे है और वो ऐसे आप पे बरस पड़ते हैं लाइक फॉर एग्जांपल ये भी पॉसिबल होता है कि इन सम एस्पेक्ट्स आपको किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी लगे किसी की ना अच्छी लगे मस टू हैव फिक्स्ड ओपिनियंस इज़ जस्ट नॉन लाइक एज़ टाइम गोज़ ऑन आप डिफरेंट रिजल्ट्स देख रहे थे चीज़ों के

कितनी इंसाइटफुल होती हैं इतनी कि वो कल्चर बदल सकती हैं जिस तरह रिचर्ड प्रायर ने किया था वो जब जेंडर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि उस तरह के जोक्स हो रहे हैं जिस तरह के स्कूल में लड़के कर रहे होते हैं तो वो डेप्थ आपको नजर नहीं आती बिकॉज इट्स नॉट हिज लिव्ड एक्सपीरियंस डैट बीइंग साइड ही स्टिल हैज़ अ राइट टू डू इट उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि माया एंजलो ने उनको बताया था कि वैन यू डोंट गो लुकिंग फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स दी इंसल्ट डोंट हर्ट यू मैं क्यों कॉमेंट सेक्शन खोल रहा हूँ hmm. ठीक है अक्सर लोगों पर बढ़ता है तो जो गालियाँ खाने का शौक है नहीं जी एक वो था कि यार लोग को ना बड़ा अच्छा काम किया है वो सबको होता है यार आप क्यों चेक करते हो आपके कितने इंस्टाग्राम पे लाइक्स हैं आप चाहते हो तो तीन सौ लाइक आ गए मेरे पिक्चर पर तो वो इनिशियली जो भी सोशल मीडिया ज्वाइन करे इट्स ओनली नेचुरल यू स्टार्ट रीडिंग जी तो जब मैं इट्स लाइक क्रिसमस में मेरे प्रेजेंट्स आए हुए हैं मैंने प्रेजेंट खोला एक्सपेक्टिंग प्ले स्टेशन खोला तो अंदर पत्थर पड़े हुए थे या वो जो गिफ्ट आप खोलते हैं कॉमेडी में और मुका जाता है मुंह पे दैट्स द डिसअपॉइंटमेंट राइट तो सोशल मीडिया भी उसी तरह है कि आप अगर पढ़ना शुरू कर दो हाय सबको कैसी लगी एंड yeah. इन आप अपना कंटेंट कीटर करना शुरू कर दो रिवर्स इंजीनियर कर दोन पॉडकास्ट डन दैट वेरी वेरी सक्सेसफुली के आवाम को क्या चाहिए हम उनको वो दे देंगे ऑथेंटिसिटी लूज आप कर जाते हो अपनी तो. हाँ या या यू जस्ट यू आर क्यूरेटिंग टू एन ऑडियंस आप एक कुछ एम्बर का हिस्सा बन रहे हो ना आप वही ओपिनियन दे रहे हो जो सब सुनना चाहते हैं तो विथ माय पॉडकास्ट डिड आई गो मीट पीपल वेयर दे आर नो दे केम एंड फाउंड मी वही लोग जो मुझे तीन साल पहले गालियां दे रहे थे आज वो मेरी बातें सुन रहे हैं आप एक स्पेशली एक पार्टी के सपोर्टर जो ऑनलाइन ट्रोलिंग में सरे फहरिस्त हैं कोई उनसे बंदा पूछे कि दो साल पहले आप जिन बातों में मुझे गालियाँ देते थे आज तो आप वो बातें कर रहे हैं तो कम अज़ कम इतना ज़रफ़ दिखाओ कि मुझसे माफ़ी मांग लो कि अच्छा जी आप जो पाकिस्तान के इशूज़ के बारे में निशानदेही करते थे वो सही थे हम थोड़ा अच्छा, थोड़, 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 पी रहे थे थोड़ा सा आपका जो यहाँ पे थोड़ी सी ना मतलब मेरे पर्सनली तो नहीं हम में से कुछ लोग हैं जो पीटीए को सपोर्ट करते हैं लेकिन सारे नहीं ये असर करते हैं मतलब जनरली मैं तो नहीं कभी किया बट थोड़ा सा आपका एक told you so, energy होती थी पीटीए के अतबार से कि यू वुड बी लाइक नहीं देखो हम भी तो यही कहते थे तुम सुनते नहीं थे आपको लगता कि थोड़ा सा उसके अंदर एक 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 के वो बदमजगी में और डॉग पाइलिंग में उसका एक एलिमेंट आया था, था जब द like, नाइंथ sort of, sort of में ये तो नहीं, अब है कि वो पी टी आई हार चुकी है और अब कभी वापस नहीं आएगी नहीं, उनको बर, इस... I mean, आपको, आपको उनको कबर तक पहुँचाना तो नहीं, <laughs> नहीं, नहीं।, नहीं है लोग बोलते हैं आप पॉडकास्ट पर बहुत अलग होते हैं ट्विटर पे बहुत अलग होते हैं यार सामने भी तो आप देखो ना कौन है अगर पॉडकास्ट पर आप लोग बैठे हुए हैं हम बात कर रहे हैं तमीज से बात कर रहे हैं प्यार से बात कर रहे हैं कोई आएगा मुझे माँ बहन की गलियाँ देगा मैं उसको आगे से कुछ हल्का सा बोल दूंगा माँ बहन की गालियाँ मैं नहीं देता ट्विटर पे आप ओरिजिनल ट्वीट नहीं देखोगे आप मेरा रिप्लाई देखोगे उसको स्क्रीनशॉट करोगे कहीं पोस्ट करोगे कि ये देखो ये देखो अब वो मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं मैं उसको यूटिया बोल दिया अब यूतिया ठीक है और लोग कहते हैं भाई ये आपको लफ्ज़ में मसला नहीं है नहीं नहीं है क्योंकि मैं जो इसका ओरिजिनल वर्ड है वो भी यूज़ करता हूँ और मैं वो सुन भी चुका हूँ उनसे से उनसे तो मैं सब कुछ सुन चुका हूँ ठीक है ना उनसे तो मतलब माशाल्लाह उनके जो लीड करते हैं जो जिनकी ऑफिशियल पोजीशन है नहीं उन्होंने जो गालियां दी हुई हैं मुझे माशाल्लाह उन्होंने जो कैम्पेन्स चलाई हुई हैं पब्लिकली जी 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 मैं वो रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वो वापस ट्रेंड करना शुरू हो जाएगा <laughs> तो आप वो स्क्रीन करोगे ये देखो शहजाद गाली दे रहे हैं अच्छा और फिर कोई उसको ट्वीट करके उस पर कैप्शन लिखेगा ये सब नहीं मैं सब पी सपोर्टर्स को नहीं बोल रहा मैं उसको बोल रहा हूँ जिसने मुझे ये गाली दी थी

यू नो इतना डेस्परेट हूँ फॉर लाइक्स एंड व्यूज कि सर आप रोज आए मुझे रोज़ गाली दें लेकिन अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा अक्सर लोग होते हैं ना दिस दिस मेड मी अनसब्सक्राइब लाइक ये वेरी गुड यू देखो यार आप एक जगह रेस्टोरेंट गए आपने खाना खाया आपने बोला यार मैं आंदा नहीं आऊँगा मुझे नहीं पसंद आया ठीक है जी नहीं मैं कढ़ाई खाता हूँ आपने बर्गर रेस्टोरेंट खोला है आप बर्गर बनाना छोड़ देंगे मुझे कढ़ाई पसंद नहीं भाई आपके लिए नहीं then, यहां एक सवाल so, था जो जो आप बदमाजगी वाला आपका सवाल था जी बिल्कुल आ जाता है बट समथिंग दैट आई से अनफॉर्चुनेटली होल्ड मोर मेरिट एंड देन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नैरेटिव उसको आप एक नैरेटिव बना लेते हैं ना

यू हैव अ पार्टी लीडर हुज योर फाइनेंस मिनिस्टर कॉलिंग अन अदर पार्टी लीडर सिंग के जी आई एम एफ डील डी रेल कर दो और वो आगे से कहता है ऑब्वियसली उसको पता है रिकॉर्ड हो रही है सर इससे पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा तो शौकत तेरी ने उसको क्या जवाब दिया और तुम्हारे लीडर को जो बुरा बोला गया वो तुम्हें बुरा नहीं लगा या आप क्या मैंटेलिटी न्किल, इनकल्किट कर रहे हैं का का तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाए लेकिन तुम्हारे लीडर की तनकीद हुई वो तुम्हें ये इसकी हम बराबरी कैसे कर सकते हैं कि पाकिस्तान में टू थर्ड फ्लड्स आए हुए हैं वो डूब के मर जाएंगे इतने लोग मर जाएंगे अगर आई एम एफ़ की डील नहीं आई अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया एंड यू आर इक्वेटिंग दैट टू दे इंसल्टेड योर लीडर मैं इसको कल्ट ना बोलूँ तो और क्या बोलूँ दैट बींग सैड जस्ट बिकॉज आप पी टी आई सपोर्ट करते हैं मैं आपके साथ ना बैठूँ मैं बोलूँ यार ये तो कल्टिस बैठा हुआ है यहाँ पर या मैं आके आपको गालियाँ देना शुरू कर दूँ या बोलूँ तो इंसान ही नहीं है जाहल ये भी स्टूपिडिटी है hmm.

आप लोगों की ज़िंदगी में लोग होंगे लेट्स आपके वालिद साहब हैं आपके वालिद साहब ने आपको स्कूल में डाला पढ़ाया लिखाया सब किया एक दिन थप्पड़ मार दिया और लाइक फादर एक्सपोज आप तो हमेशा से ही इतने डैश डैश थे बाकी सब डिलीट कर दो यू हैव टू लुक एट समबडीज वर्क इन मच लार्जर स्कोप के यार अच्छा ठीक है ये 300 सौ कॉन्वर्जेस कर चुका है 300 सौ कॉन्वर्जेस में इसने ये बात की है इस तरह से नहीं की एक दफ़ा किसी को गाली दे दी भाई वो उस मोमेंट में हो गया और अगर कभी ज्यादा हो भी गया बंदा माफी मांग लेता है ठीक है स्मॉल मीटिंग अटेंड डोंट नो मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी नहीं पर पीटीए स्पेसिफिकली मैं बता सकता हूं कि वहाँ पे जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल लीड कराते हैं मीटिंग को वो एक हर्ड बना रहा होता है एनर्जी एक एनर्जी होती है मॉब टाइप की क्रिएट करने की कोशिश करता है सही ऑल दो मेजोरिटीज ऑफ पीपल्स को अस्क्राइब नहीं करते लोग स्टूपेड नहीं होते लेकिन जब आप जलसों पे भी जाते हो वहाँ पे लोग जिस तरह के नारे मार रहे होते हैं अगेन मेरे पास कोई कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं है और पोलिटिकल पार्टी के जलसों का मैं एक पोलिटिकल बंदा था अपटिल लाइक फोर ईयर्स अगो

Hmm. Which have, which khate, can तो पैसे नहीं आप लोगों ने खुद बस पे आना है और हमें वोट देना है आप हंसना शुरू

एंड यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान में आपकी ज़्यादातर आबादी गरीब है ठीक है अगर अब मैं, मैं सड़क पर जाता हूँ दिस इज़ वाई आई डिसग्री विद दिस नोशन कि हर पी टी एस रिपोर्टर पागल है यार आप सड़क पर हो आप देखते हो ऑडी गुजर रही है वीगो गुज़र रही है मैं सड़क पर बैठा हुआ मेरे पास कोई पैसे नहीं है अच्छा पंजाबी कल्चर आपने तबाह करके सुपर इम्पोज़ कर दिया कि जी एक पाकिस्तानी कल्चर है तो जो सड़क पर बोलता है जिसको उर्दू नहीं आती अंग्रेज़ी नहीं आती सिर्फ पंजाबी आती है वो ऑलरेडी अपने आपको हकीर समझता है वो ऑलरेडी अपने आप को कमतर समझता है कि यार इस सोसाइटी में तो मेरा कोई हिस्सा ही नहीं है लिटरली अगर साइन बोर्ड उर्दू में है मैं, मैं पढ़ भी शायद ना सकूँ मुझे पता भी ना हो इनके मतलब क्या है उधर आपने उसको बिठा दिया उस आदमी को जो सेंचुरी से यहाँ रह रहा है उसके बाद आप इकनॉमिकली नहीं डिलीवर कर सकते उसके बाद उसके पास खाने के पैसे नहीं है उसके बाद उसको वो डेली वेज लेबर करना पड़ता है उसको गालियाँ पड़ रही होती हैं वो रात को टिक खोलता है तो लीडर ऑफ़ द फ्री वर्ल्ड डोनल्ड ट्रंप यूँ चल रहा है और फिर टों डों टों डों टों डों टों एक आदमी आता है ये छाती और यूं चल है। आप 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 रहा है तो no, ये, ये, तो इज्जत कहां से बनती let's, है let's मेरी इज्जत कहां से बनती है ये मेरा लीडर है बट द डिजायर फॉर द स्ट्रॉग मैन अगर इसको ब्रेक डाउन करें यूनिवर्सल नहीं है इंसानों के अंदर

जमीयत वाले अपने जमीत तो में एफ की बात कर रहा हूँ वो अपने अपने यू नो मोडलिटीज़ चेंज करते हैं ऑब्वियसली वो मजहबी टच के साथ कर रहे होते हैं ये वो सिंधी यू नो अजय तक पहनी हुई है ट्राई तो सारे करते हैं क्या चीज़ टू सॉर्ट ऑफ डेवलप दिस लाइक स्ट्रांग पर्सनैलिटी एंड पब्लिक परसोना और करिज्मा नवाज शरीफ अमीर और बनने की कोशिश कर रहे थे आई फील लाइक के नहीं आई टेल यू द बेसिक डिफरेंस क्या हो गया पी 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 अनडेनाइबली प्रॉब्ली पाकिस्तान के शायद लार्जस्ट पॉपुलर मूवमेंट्स सेवेंटी वन में बहुत ज़्यादा सेवेंटी में बहुत ज़्यादा वोट मिले जब बेनज़ीर वापस आई प्रॉब्लीज द लार्जेस्ट रैली एवर हेल्थ लाहौर के अंदर ठीक है ना पी 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 ने वो चीज़ अबेंडन कर दी है पोस्ट बेनजीर डेथ सो योर मेन स्ट्रीम पार्टीज हैव अबेंडन द पीपल वन हंड्रेड परसेंट उनको समझ में आ गई है कि पावर आती है पावर कॉरिडोर से ठीक है वोट को इज्जत दो वॉज अ पॉप्युलर कैंपेन पॉजिटिव थी काफी जी बहुत लोग जाते थे ठीक है जब आप खान साहब जलसे कर रहे होते तो मैं हमेशा कहता था जलसाज डोंट डिसाइड इलेक्शंस, मुझे बहुत गालियाँ पड़ती थी पी के जब जलसे हुए मैंने वही बात की पी वालों ने रिट्वीट की जलसाज नहीं करते इलेक्शंस जलसों में पीडीएम बहुत बड़े जलसे थे

माई क्रिटिसिजम इज़ वाई डेंट यू डू दिस इन ट्वेंटी एटीन आप जब कहते हो मेरे पास कोई पावर नहीं थी और साथ साथ आप कहते हो कि पाकिस्तान में तो नाइन्टी परसेंट मेरी पॉपुलैरिटी है सर जब ना तो आपको यही पावर लगती है आपको इस्टेबलिशमेंट को हराने के लिए नाइन्टी परसेंट भी काफ़ी नहीं थे आपके साथ अगर आप कहते हैं साढ़े तीन साल मेरे साथ धोखे हुए हैं मेरे पास कोई पावर नहीं थी तो आपको लगता है कि करोड़ उल्लू हमने होश संभाला मुशरफ दौर से क्यों क्यों। तो तू 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 है। थोड़ा सा पहले तो हमने अपनी सारी जिंदगी पावर पॉलिटिक्स ये देखी है कि आप इजिएस्ट सॉल्यूशन ढूंढते हो आप बारियां लगा लो आप डील्स ब्रोकर कर लो इमरान खान की जो अठारह की डील ब्रोकर हुई अच्छा होता क्या जब आप किसी और को एक्सपोज कर रहे होते हैं ना जिसमें सेम डिफ़ॉल्ट हो जो आप में आप सेल्फ ओन भी कर देते हो जो 2018 की पावर डील ब्रोकर हुई थी कि इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इमरान खान का ये इजी ग्रैब है ये पकड़ लो अनफॉर्चुनेटली ये है कहते हैं और यहाँ पे उसका और जिद्दारी के पोलिटिकल एक्मेंट का फ़र्क नज़र आता है उसको टाइम निकालना नहीं आता उसी गवर्नमेंट साढ़े तीन साल बाद ब्रेकडाउन क्यों करती है बिकॉज वो समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम लीडर ऑफ पाकिस्तान नहीं हो चोजन बाय द पीपल तुम अपॉइंटेड हो

जब भी पाकिस्तान में स्विच हुआ है एक इंस्टीट्यूशन की पावर का फ्रॉम वन हैंड टू दी अदर तो अमूमन एक मेजर पॉलिटिकल चेंज साथ हुआ है या उसके इमीडिएटली फॉलो करता है बिकॉज आपने अपनी बेट्स हेज की होती है एक ग्रुप में ऑब्वियसली ये अस्यूम करना कि एक मोनोलिथ है एक ऑर्गेनाइजेशन स्टूपेट बात है इतने ज़्यादा लोग ऑपरेट ये कंपनी मोनोलिथ नहीं है साठ लोह कंपनी हम सब के डिफरेंट ओपिनियंस हैं तो एक मोनोलिथ के अंदर जब मल्टीपल ओपिनियंस आ जाते हैं तो एज अ पॉलिटिशियन आप बैट कर रहे होते हो आप जज कर रहे थे अच्छा इसके पास कितने बंदे हैं उसके पास कितने सब, कितनी पावर है कितना पोलिटिकल माइंडेज है इमरान ख़ान ने जिस मोनोलिथ से बैट किया था सही है एक तो उस मोनोलिथ के भी एक सब सेक्शन पर बैट किया था उसने लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो बाद में अब खुद चिल्ला चिला के सारे सियासतदान बात कर रहे हैं कि जी देखें फ़ैज़ हमीद ने क्या किया देखें जी उसने ऐसे कर दिया तो बेसिकली फ़ैज़ हमीद बाजवा के अंडर काम कर रहा था और इमरान खान से क्लोजली इन्वेस्टेड था ये पार्ट ऑफ बाजवा टीम ही थे सारे जो पावर डील ब्रोकर कर रहे थे उसके अंदर फ़ैज़ हमीद ने अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बनाई और इमरान ख़ान ने उसको अब्सक्राइब किया सब्सिक्वेंटली पूरी बाकी मोनलित के साथ रिलेशनशिप ख़राब कर लिया उसके रिजल्ट में कहते हैं उसकी सीट चली जाती है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक हार्श रियलिटी एटलीस्ट करंट स्टेज पे जो अगर आपने ग्रेट रेवोल्यूशन नहीं करना आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर आप फिक्स्ड गेम खेल रहे हो तो कम से कम गेम तो पूरी तरह खेलो आप हर जगह मरासम बना के रखो वाई जेड क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पाँच साल पूरे कर जाती है अच्छे तरीके से उसकी वजह के वो हर पासे खेल रहे होते हैं वो इंश्योर करते हैं कम से कम हमारा टेनयोर तो कम्प्लीट हो जाए यही चीज़ नवाज शरीफ को भी लेट समझ आती है और इमरान ख़ान को तो बहुत ही लेट समझ आई है इवन कि अभी भी जो इमरान खान अटेम्प्ट था कि जी मैं एक ग्रेट नैशनल अवेकनिंग करूँ आज से डेढ़ साल पहले लोगों को इस्लामाद ले गया ठीक है अगर आप लोगों को इस नहज तक ले आए हो कि वो आपके लिए सड़कों पे आ रहे हैं डंडे खा रहे हैं शेल खा रहे हैं आप कश्तियाँ जला रहे हो अपनी या तो आप मेंटल फोर्टिट्यूड रखो कि ठीक है यार एंड तक लड़ना है मर जाएंगे नहीं तो मस अगर आप में वो फोटिट्यूड नहीं है तो फिर आप लोगों को सड़क में ना खड़ा करो अगर आपने आज भी मैं को सच्ची बात कूँ आज ही मुझे लगता है कि बैक एंड पे कोई डील बनेगी सही है बैक एंड पे डील बनेगी कोई एडजस्टमेंट होगी उसके बाद अगला सिस्टम चलेगा तो जो डेढ़ साल से लोग खज्जल हो रहे हैं इसका कौन हिसाब देगा अगर पी 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 की पोलिटिकल डेथ की आप बात करो अवाम के अंदर उसकी भी ये बहुत बड़ी वजह है कि जो लोग बेनज़ीर के जुल्फिकली भुट्टू के स्टॉल वार्स हैं जिन्होंने कुत्ते मारे झेलें खाएं ज़दारी ने उनको बेच दिया नून ली के जितने पुराने कारकुन थे नवाज शरीफ ने नई पॉलिसी लाई पोस्ट मुशरफ वह पार्टी छोड़ दी इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सब इलीड्स की पार्टी रह जाएगी और पी टी आई भी एवं यही कर देगी सर इसमें जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने बाहर बुलाया उन्होंने बाहर क्यों बुलाया वो आप बिल्कुल स्पॉट ऑन है एटी सेवन में जब बेनज़ीर वापस आई क्या इस्टेब्लिशमेंट जाती थी बेनज़ीर बने नहीं, नहीं।, नहीं बिल्कुल नहीं क्यों क्यों बनने दिया लोग ही इतने ज़्यादा थे नाइन्टी सेवन में क्या इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी नवाज शरीफ टू थर्ड से आ जाए कभी भी नहीं हमेशा फ्रैक्चर्ड को लेशन चाहते हैं क्यों आने दिया लोग ही इतने ज़्यादा थे पाकिस्तान में अवामी रैलीज़ होती हैं ताकि आप पीपल्स स्ट्रेंथ शो कर सको असेंशली क्योंकि इलेक्शन में तो 19 बीस होते ही होते हैं आपने रैलीस करके दिखाना होता है लोग हमारे साथ हैं आप जितने ड्रोन शॉट्स फोटोशॉप कर लो एक्चुअल भी दिखा दो द कोल्ड हार्ड ट्रूथ इज़ इमरान खान वॉज नेवर एबल टू ब्रिंग इनफ पीपल आउट ऑन द रोड फॉर दैट क्रिटिकल मास टू चेंज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट टू बी लाइक ओ नो इस्टेबलिशमेंट कभी ख़तरे में नहीं थी फ्राम एन इमरान खान रैली जो बड़ी बड़ी भी हुई उसमें नहीं आए नंबर्स एकदम उन्होंने जब इस्लाम बुलाया था वो तो इतने लोग भी नहीं थे इमरान खान ने जाके स्पीच भी नहीं की थी उस रात पे फिर जब इन्होंने बोला था हम पिंडी जाएंगे आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट के ऊपर नहीं आए लोग जब इमरान ख़ान को गोली लगी हम कहते हैं जी अरेस्ट पे बड़ी एक ऑर्गेनिक हमारा रिएक्शन आया अरेस्ट से तो बड़ी चीज़ है गोली लगना ठीक है हो सकता है आपको घंटे तक तो पता भी ना हो कि इमरान खान जिंदा है क्या है ढाई घंटे तो उन्होंने ड्राइव की थी उसके बाद टिल चौकत खाना यू आर नॉट अवेयर फवाद चौधरी स्टेज पे गए उन्होंने स्पीच दी कि तुम्हारे लीडर का खून बहा है तुमने बदला लेना कितने है कितने लोग आए पाकिस्तान में बाहर सो यस सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पोल दिखा दें नाइन्टी परसेंट है हंड्रेड परसेंट है नहीं है पीटीआई की एक साइजेबल पॉपुलैरिटी है बाईस करोड़ लोग इमरान खान के पीछे नहीं है बाईस ग्यारह करोड़ भी अगर इमरान खान के पीछे होते हैं पी डी एम मिल भी कुछ नहीं कर सकती थी नाइन्थ में को आपने एक फील्ड को अटैम्प्ट किया ना नहीं आए उतने लोग हम कहते हैं जी इधर अटैक हो उधर अटैक हो इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्योर नंबर्स नाइन्थ मे को कितने लोग बाहर थे मैं कराची में बता सकता हूँ थाउजेंड भी नहीं होंगे शायद शार फैसल पर जितने लोग जमा थे अगर कोई लोग मुझसे डिसग्री करते हैं अपने जो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ देख लें नहीं तो जो जो प्रोटेस्ट हुई थी उसकी पिक्चर देख लें कितने लोग बाहर थे नाइन्थ मे को नहीं से हजारों में होंगे अगर ग्यारह करोड़ लोग बाहर होते नाइन्थ मे को आपका सिस्टम बदल जाता आपके कू हो जाता सब चीजें बदल जाती इमरान खान वाज नेवर एबल टू तो ब्रिंग आउट दैट नंबर यहां पे एक तो 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 बार ऐसा है मां ऐसी इसी बात पे शायद बेसिकली ये कहते हैं यहां पे एक चीज फर्दर समझ आती है लाइक हम उसका मेडिस मेनली पर्सनालिटी था पाकिस्तान में वोटर टर्नआउट एग्जिस्ट नहीं करता अगर आप एक्चुअल नंबर्स में जब क्वान्टिफाई करते हैं कंपेयर टू द तो पॉपुलेशन जो वोट कास्ती है तो वो एक रिडिकुलसली लो नंबर है और उस लो नंबर की एक रिडिकुलस ब्रोकन सी मेजॉटी गवर्नमेंट बनती है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है कि डिस्पाइट इंटरनेट के स्प्रेड का इन्फ्लुएंस के स्प्रेड का इंफॉर्मेशन के स्प्रेड का आई वुड सेक अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आपकी जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी चीज़ में बेसिकली आप क्रिटिकल मैस रीच करने के लिए भी यू नीड टू हैव पीपल इन्वेस्टेड जितनी पोलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है लाइक फॉर एग्जाम्पल ये कम अज कम मैंने अपने हल्कों में देखा है कि वो उधर ही कैनवस करती हैं उधर ही कैंपेन करती हैं जहाँ के एग्जिस्टिंग वोट्स हैं और बाकी लोग जहाँ जो लेसे ऑन द फ्रिंजेज होते हैं या टू बी कन्विंस्ड होते हैं उनको अप्रोच ही नहीं किया जाता इट्स नॉट ऑफ एज इफ कि वो डेमोक्रेसी के एक परेफरी पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना वो इंटरेस्टेड हैं ना ही पावर्स दैट भी इंटरेस्टेड है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बने जिसकी वजह से आप एक सर्कल देख रहे होते हो हर वक्त एक सिक्लिकल चीज़ हो ही जा रही है बार बार हमारे साथ में सा देखें ए पोलिटिकल होना तो बड़ी प्रिवेज क्लास की वो है आजकल मुझे बहुत पी टी आई सपोर्टर्स मिलते हैं जो बहुत वोकल थे एंड लाइक अच्छा क्या सीन अब हम ए पोलिटिकल हो गए अब मैं सोच रहा हूँ मैं गार्डनिंग पे फोकस करूँ आपके पास अगर इतनी प्रिवेज है कि मैं पोलिटिकल प्रोसेस छोड़ के गार्डनिंग पे फोकस कर सकता हूँ तो आप माशाल्लाह एक बहुत प्रिवेज क्लास है कॉन्टीटुंसी पॉलिटिक्स में पीपल डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू बी पोलिटिकल अगर आप बलोच पैदा हुए हैं आपकी आइडेंटिटी पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूवेंसी पॉलिटिक्स में जो फ़र्क पड़ता है ना आई डिसअग्री विद दिस नोशन कि पी एम एल एन पंजाब जीतेगी मुझे भी पर्सनली बट मुझे कुछ ये मैं अपने जहन से बोल रहा हूँ ये मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है हाँ जी देर आर पीपल इन पी एम एल एन थिंक बी पी एम एल एन विल वन पंजाब वाई डू दे थिंक दैट दे थिंक दैट क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूवेंसीज होती हैं उनको ये भी पता होता है अगला आना किसने वो उसके पास इसलिए जाती हैं दरख्वास्तें लेकर कि यार ये काम करा देगा पानी नहीं आ रहा सड़क टूटी हुई है वो जा रहे थे पी के लोगों के पास दरख्वास्तें लेकर वो अब जा रहे हैं नून के लोगों के पास दख्वास्तें लेकर देयर फॉलोइंग पावर देअर सी एन के यार ये अगर आया और हम इसके वोटर्स हुए तो ये हमारी सड़क बन धड़े की सियासत हो रही होती है ना सो so वो जो आप बात कर रहे हैं कि वो उसके साथ होते हैं वो धड़ा भी मूव करता है एंड ऑन ऑन अ सेकेंड लेवल जो वो बंदा है वो भी देख रहा होता है कि मैंने किसकी टिकट लेनी है पी टी आई हम कहते हैं तब्दीली की पार्टी थी आप उनका एम एन ए रोल खोले वही वो वो तो लोग जो पीपीपी की टिकट लेकर आए थे, थे। वही लोग जो पी एम एल एन की टिकट लेकर आए थे तो सर केड़ी तब्दीली तो इशू आपको फिर यहाँ पे फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन डायरेक्ट नहीं ये ये हवाई बातें हैं सारी आप लोग सिंस ऐसा ना लगे हम चार लौंडे बैठ के कंप्लेन कर रहे हैं सोल्यूशन पे आ जाते हैं ना हम इसका सर इसका सोल्यूशन ये है कि जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करें MN, का काम नहीं सर ये ये एम ए की शोशे छोड़ देते हैं कि अच्छा भाई ये बदल जाएगा तो ठीक हो जाएगा नहीं अब मैं आपको थप्पड़ मारता रहूँ और मैं आपको बोलूँ पैराडोल की जगह पैरासिटामोल ले ले तो तू ठीक हो जाएगा नहीं मैं थप्पड़ मारना में छोड़ दूँ ना दैट्स आर फंडामेंटल इशू सड़क सही करना एम एन ए का काम नहीं है वन शुड क्वेश्चन कि ये धड़े एम एन ए के पास जा क्यों नहीं है डेवलपमेंट फंड तो होना ही नहीं चाहिए लोकल गवर्नमेंट इज द मेन इशू दिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं नहीं क्यों नहीं नहीं, बेसिक वो कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट यार एमएनए और एमपी का काम है लॉ मेकिंग सही है सर, अगर आप कोई ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कराना है तो वो लोकल गवर्नमेंट्स के लेवल सर आप लोग आप लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं आप बिल्डिंग बनाए गिर जाए दूसरी बिल्डिंग बनाए गिर जाए तीसरी बिल्डिंग बनाए गिर जाए बंदा बोले कि यार हम सारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो गिर रही हैं बिल्डिंग में मसला होगा आप लोग नीचे खोद ही नहीं रहे आप ग्राउंड से बनाना शुरू कर देते हैं आप जब बेस ही नहीं बना रहे तो वो गिरेगी ना द बेस ऑफ योर डेमोक्रेसी इज लोकल गवर्नमेंट जो आप होने नहीं देते जो हमारी पार्टीज लोकल सतह पे जाने नहीं देते जब चीज़ें लोकलाइज होंगी तो उसके सोल्यूशन लोकलाइज होंगे जब शबाजशरीफ चीफ मिनिस्टर थे और पंजाब में कहीं पानी खड़ा होता था क्यों चीफ मिनिस्टर जा रहे रेन बूट्स पहनकर मेक ज़ीरो सेंस राइट कि कहीं गली में आपके पानी खड़ा हुआ है शबाश्रीफ साहब पहुंचे हुए हैं ये उनका आ, ये उनका मेयर जो चीजें कर रहे हैं मेयर यूनियन काउंसिल एक्चुअली यूनियन काउंसिल अगर लोग बोलते हैं पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते जो कि देना चाहिए ये स्टूपिड बात है कि जी हमारा टैक्स आया हो जाए हम इसलिए नहीं देते बहुत स्टूपिड बात है बट रिगार्डलेस अगर लेट्स से मैं अपना प्रॉपर्टी टैक्स हम इस गली पे रहते हैं आप समझें आप कोने पे रहते हैं मैं इस कोने पे रहता हूँ ये लोग बीच में रहते हैं आप बन गए यूसी मुझे पता है आप कलेक्ट करते हैं टैक्स मुझे पता है मैं दे रहा हूँ तीस हज़ार तो मुझे पता है आप भी तीस हज़ार दे रहे हैं आप भी तीस हज़ार दे रहे हैं हम दे रहे हैं मेरे तो कैलकुलेशन पे है कि हमारी पंद्रह बिल्डिंग है हम लोगों ने तीस तीस हज़ार दिया है साढ़े चार लाख रुपए इसके पास गए हैं और इसके पास गए हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको खर्च करना फिर जब गली नहीं साफ होगी तो मैं इसके पास बताऊँगा भाई तुझे साढ़े चार लाख रुपये दे तूने गली क्यों नहीं साफ़ की ये मुझे आगे से आगे बोलेगा कि यार वो जो नाला था उसके नीचे वो ख़राब था तो मेरे पास प्रायोरिटी थी कि मैं नाला ठीक कराऊं या गली साफ कराऊं तो मैंने वो लगा दिया अब मैं जाके देख भी सकता हूं कि यार नाला बना था क्योंकि मेरी गली में है आप टैक्स कलेक्ट करते हो करते हो विहाड़ी से कनाल रोड वाइडन हो जाती है तो विहाड़ी में वो बैठा तो यही बोलेगा ना कि यार मेरे तो पंद्रह साल से मैं टैक्स दे रहा हूँ ये टूटी की टूटी सड़क है सो तो जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी लोकल टैक्सेशन नहीं होगी लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी ये बातें बहुत बेकार हैं प्रेजेंशियल सिस्टम कर दो पार्लियामेंट्री सिस्टम कर दो ये एकेडमिक वेक सी बातें हैं जिससे सड़क पे जो बंदा बैठे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा यू नीड टू गिव दैट पर्सन रिप्रेजेंटेशन एंड देन लोकल अकाउंटेबिलिटी मेरा टैक्स नवाज शरीफ और जदारी नहीं खा रहा हो सकता है वो कोई डीसी लेवल पे खा रहा हो फिर एसी लेवल पे खा रहा हो फिर एम लेवल पे खा रहा हो पर वो स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि वो चीज़ सो द मिस्टेक दैट लीडर्स मेक इज आई एम कमिंग टू दिस्टेक्यूशन

लेट्स नॉट डू इट अगैन लेट्स नॉट डू इट इन बलोचिस्तान सो इफ वी थाट क्लियरली डिट वर्कट क्लियरलीट टू वॉट इट लेट टू लेट्स तो लेट्स थिंक इनवर्स यहाँ पर एक अमेंडमेंट पास होती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज है आप सात आठ साल उसको गालियां देने में एक कैंपेन बनाने में हो सकता है आज भी एक मखसूस पार्टी के सपोर्टर से आप पूछें तो बोलेंगे नहीं एटीज अमेंडमेंट तो बुरी चीज है क्यों बुरी चीज़ है ये नहीं जवाब दे सकेंगे बस बुरी चीज़ है क्योंकि उनको बताई गई है बुरी चीज़ है सो वी नीड अ लॉट मोर ऑफ थिंग्स लाइक अमेंडमेंट वी नीड लोकल गवर्नमेंट्स वी नीड लोकल टैक्सेशन इससे चीज़ें फिक्स हो जाएंगी और ये प्रेजिडेंशियल सिस्टम करें पार्लियामेंट्री सिस्टम फर्क करें, नहीं पड़ता इससे फर्क नहीं पड़ता है थोड़ी सी एक नायलिस्टिक सी बात है लेकिन काफ़ी क्लियरली एंड इंक्रीजिंगली सो दुनिया में अक्सर वेशतर ममालिक जो हैं वो कोई डीप स्टेट्स के थ्रू ही ऑपरेट हो रहे हैं इवन अमेरिका जैसे डेमोक्रेसीज जो हैं वहाँ पे आपको उनकी कंपीटिंग इंटरेस्ट क्लियरली नज़र आना शुरू हो गए हैं एग्जिस्ट तो हमेशा से करते थे बट अब वो आम वोटर के लिए भी या आम जो एक बंदा इंटरनेट पर पढ़ाई कर रहा है या ख़बरें फॉलो कर रहा है उसके लिए भी नुमाया हो गए कि यार ये तो कुछ बेहद ही हो गया कि मतलब बिलीनियर्स के भी कैंप हैं जो अमीर आगे प्राइवेट सेक्टर के भी हैं मतलब वो टॉप बॉटम पूरा एक पिरामिड चल रहा है उनका मतलब ये असले वाले हैं ये दवाइयाँ बेचने वाले हैं ये फ़लाने वाले में शहरों शार शहरों में सारों की अगर एक बात कर देता हूँ ये एक बड़ी परवर्टेड किस्म की सोच होती है जो कि काफ़ी आपको रूम पॉलिटिक्स में मिलेगी और सरप्राइजिंगली uh, आपको लोअर क्लासेस के अंदर भी मिलेगी कि वो बात करेंगे यार ये तो ऐसा तो होता है ऐसे ऐसे कामों में यू नो दिस आइडिया ऑफ सॉर्ट ऑफ के एक इंटेलिजेंसिया ऑलवेज एग्जिस्ट करती है वो सॉर्ट ऑफ पावर कॉरिडोर्स के अंदर वही होती है परमानेंट गवर्नमेंट भी उसको लोग कहते हैं चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों फौजी हों जुडिशरी हो सारे दुनिया के मुल्कों में ऐसे ही है जो 20 20 30 30 साल के लिए रिगार्डलेस ऑफ जो हुकूमत आएगी दे विल रिमेन इन अ सीट ऑफ पावर तो देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ आइडिया ऑफ लेटिंग गो और इस वक्त चाइना उसको लीड कर रहा है दुनिया के मुल्क चाइना को देख के कहते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया जॉब्स भी मिल रही हैं बिगेस्ट एलिविएशन ऑफ पावर्टी हिस्ट्री में ह्यूमन हिस्ट्री में उन्होंने अचीव कर लिया है ट्रेनें चल रही हैं बेहतरीन प्लाजे बन रहे हैं कारोबार धंधे हो रहे हैं उन्होंने भी बिलीनियर अपने मिलनीर पैदा कर लिए हैं ऑल दो अगर आप उनसे पूछेंगे उनके मिलनीर बिलनीयर से वो तो कहेंगे अपने बाहर जाना है पैसे लेके चाइना से और जैक माँ की अगर आप मिसाल देख लेंगे बस तो थोड़ी सी पुतपुत -पुत की तो जैक मा ही सीन से गायब हो गए बट आप दुनिया के मुल्कों इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनको आप तौर पर आइडियल लिबरल डेमोक्रेसीज के तौर पर व्यू करते हैं वो भी इस टेंडेंसी की तरफ मतलब स्वीडन ने नीटो ज्वाइन कर लिया जो जंगी माहौल बन रहा है यूरोप के अंदर और सब चाइना को ही इवन अमेरिकन भी चाइनीज़ को आइडियलाइज़ कर रहे हैं इस वक्त यार ये ऐसा निज़ाम होता है ना कि अंदर ही बंदे के अंदर से निकाल लेते हैं मतलब हमारे यहाँ भी बड़े आपके बुजुर्ग होंगे अंकल होंगे बिजनेसमैन होंगे यार चाइना मॉडल बड़ा अच्छा है यार चाइना मॉडल को देखें बेटा यू नो जब वहाँ पर कोई बंदा धांति करते शूट हिम इन पब्लिक और उसको वो हैंग कर देते हैं तो आई I मीन mean, इस सब के माहौल के अंदर जहाँ डेमोक्रेसी आपको स्लिप करती हुई नज़र आ रही है पब्लिक कॉन्शियसनेस के अंदर से मैं कहूँगा स्पेसिफिकली इसके अंदर क्या आपको रेमेडी नज़र आती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में लट से कर पीट गया एक बड़ी जमात थी वो सारे लोग डिसडफ्रेंचाइज हो गए हैं अनोए हो गए हैं निज़ाम से या डिसग्रेंटल्ड हो गए हैं अब जो लोगों की टेंडेंसी ज़्यादा यानी एंटी डेमोक्रेटिक या फिस्टिक या सेंट्रल कंट्रोल वाली अथॉरिटीज़ की तरफ जाएंगी इसमें क्या आपका क्या तबसरा बनता है क्योंकि आप इतने लोग इंटरव्यू कर चुके हैं सर uh, मल्टीपल आपने बातें करती हैं गुड हकी का टी गुड गुड जॉब गुड जॉब शादी वाला म्यूजिक uh, अभी मिसिंग था वो जो uh, शुक्र करें आप मैं बैठा हुआ हूँ और खान साहब से आप पॉडकास्ट नहीं कर रहे वरना फिर मेरी भी वीडियो लीक हो जाती है कॉमेंट mm -hmm. पे कॉमेंट करी जा रहे सवाल पूछो यू शुड कीप य तो नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ मैं सर ऑब्वियसली काफ़ी बातें थी तो मल्टीपल वेज ऑफ अटैक है वन इज वॉट डू यू वैल्यू इफ़ यू वैल्यू इंटरेंसिक फ्रीडम्स ठीक है मैं जाके दुबई में रह लूँ मेरा दिल नहीं मानता को जान लगे यार किसी ना किसी दिन तो मैं कुछ बकवास <laughs> तबीयत पता, पता होता है ना यार मैं उसको वैल्यू करता हूँ sort of मैं इस वजह से मिडिल ईस्ट में जाके नहीं रहता कि ठीक है पैसा होगा याश्यू होगी सेफ्टी सारी चीज़ें जो बेसिक आपको चाहिए वो है मेरी एक वैल्यू है ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स ट तो इसलिए मैं उस वजह से नहीं जाता अच्छा जी अमेरिकन चाहते हैं हम चाइना जैसे हो जाए ये तो नहीं है ऐसा है, नहीं, ऐसा है बिल्कुल इस, भी नहीं है इन अमेरिक नहीं, 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 की नहीं, बात करा। नहीं अमेरिका में इतना ज़्यादा प्रॉपरगेंडा होता है चाइना के अगेंस्ट के वो अगर जो आप चाइनीज यूटोपिया प्रजेंट कर रहे हैं उसमें जो अच्छी चीज़ें भी होंगी वो भी अमेरिका में बुरी बनाकर पेश की जाती है तो आ, general... okay. नहीं। वो नहीं बात करें एक परमाटेबलिट की आपने बात की थी जी बिल्कुल हर जगह एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट होती है उसका कितना कंट्रोल होता है नहीं होता दैट्स ऑल्सो क्वेश्चन राइट जिस तरह अमेरिका का आपने जिक्र किया अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में सबको पता होगा मुझे डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है दे हैव दिस नोशन ऑफ द फॉर एवर ट्रंप ने रिवर्स कर दिया ट्रंप के हजार मसले थे कर उसने आगे बोल दिया जी निकालो अफगानिस्तान से आपको निकालनी पड़ी।, पड़ी बाइडन ने नहीं खत्म की अफगानिस्तान वॉर ट्रम्प ने की है बाइडन ने यूक्रेन शुरू कर दी ठीक है सो so, वो नाराज परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट थी विच इज वाई लॉर्ड ऑफ ओल्ड इज रिपब्लिक जरा गलत है कुछ मुझे नहीं पता कि वो रीजन है या नहीं और भी रीजन हो सकते वन ऑफ द रीजन हो सकती है तो एक वो जो परमानेंट एलिट इंटरेस्ट हैं उन्होंने छोड़ दिया था अच्छा जी सात आ जाती है फाइनेंशियल लीड कोक ब्रदर्स रिपब्लिकन्स को भी देंगे शायद रिपब्लिकन थोड़ा ज़्यादा दें लेकिन डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को भी देंगे डिजनी जो है हम कहते हैं जी बड़ी वोक बड़ी वोक कंपनी है उन्होंने रिपब्लिकनस को फ़ंड किया है उन्होंने उन लोगों को फ़ंड किया है जो वो सारी वैल्यूज वैल्यूज़ डिजनी एस्पाउस करती है उसके अगेंस्ट है उसी तरह पाकिस्तान में अगर हम लहसे अकील करीम डैडी हैं किसी के भी नहीं है किसी की भी नहीं। उनकी सबसे दो है। के है। है ना? हाँ तो वो फाइनेंशियल लीड जो होती है वो एज सच पॉलिसी डिसाइडिंग में वो पैसे वैसे देकर उधर आगे पीछे कर सकती है थोड़े लीवर्स बट उसका इतना कंट्रोल नहीं होता एक हमारे जहन में नोशन बन बना दिया गया है थ्रू दीज हकीकत टी वी टाइप वीडियोज़ के चार लोग कमरे में बैठते हैं और बोलते हैं अब अगले दस साल ये होगा hmm. सीज़न लिख रहे हैं हम नेटफ्लिक्स का इस तरह नहीं चीज़ें कंट्रोल की जाती सो डेमोक्रेसी स्लिपिंग इन पाकिस्तान वेयर वेन हैज़ डेमोक्रेसी रेली इस्टेबलिश सेल्फ पाकिस्तान आपने तो करनी ही नहीं थी ना आपने तो दो तीन साल में फ़ारिग करना शुरू कर दिया था नाइनटीन फिफ्टी वन में ईस्ट पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुए थे आपने कुछ दो तीन महीने में सबको फारिग करके जेल में डाल दिया था जिनको आपने इलेक्ट किया था एक कॉन्स्टिट्यूशन बनी आपने अठारह महीने में उसको फारिग कर दिया तो ये शोशे छोड़ने के लिए बड़ा अच्छा होता है कि सर एक स्ट्रॉन्ग लीडर आ जाए ना जो एक दफ़ा ही सबको सीधा करते ये डंडे वाली अवाम है दस दस साल तो आए थे क्या किया या तो हमने वो ट्राई नहीं की होती ना सारी चीज़ें जो लोग बोलते हैं ये हो जाए तो आप तो कि तो कर करने रहे। का तरीका है है लोगों को हिस्ट्री से आगाह किया जाए अपनी मुल्की की यार ये हो चुका चलता कोई नहीं है ये जो वापस वो चीज़ करना चाहते हैं वही चीजें ये बातें करते हैं आप जो कह रहे हैं हो गए जिस तरह मैंने पहले भी कहा था ना ठीक है अगर एक पश्तून बच्चा है जिसको चेक पॉइंट पे रोका जाता है

तो स्टेट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे ना सबसे ज्यादा नॉन स्टेट की तरफ तो स्टेट तो ने भेजा है किसने ट्रेन किए नॉन स्टेट एक्टर्स किसने भेजे स्टेट ने, ने भेजें तो ये मे बी इन लाइक टेड टाइप नॉर्मलीज इन द एस वेयर वन पर्सन गेट्स बट दीज डिबेट्स आर वेरी फ्रूटलेस इन लाइक पाकिस्तान

वो यूके से चौदह पंद्रह साल की उम्र में कन्विंस हुई ऑनलाइन ग्रूम हुई और वो उसने जाके आई ज्वाइन कर ली इवेंचुअली वो डिसफ्रेंचाइज हुई वहाँ पर उसको समझ आ गया कित तो ये तो भागलपन है तो, तो वॉर जोन है वो सतारह अठारह उन्नीस साल की उम्र में वापस आ गई एज एन एडल्ट तो यूके की गवर्नमेंट ने उसकी सिटीज़नशिप को सस्पेंड कर दिया और वो कैंपों में रह, रह रही थी जो कि के रेफ्यूजी कैंप थे वहाँ पे जब उसका केस चला तो अब उसने ह्यूमन राइट्स वाले कह रहे थे वो बच्ची है वगैरह वगैरह जो थोड़े ज़रा राइट right, right नहीं थी तीन चार साल में से चल, चल बेचारी की, की डिबेट लिटरली छ महीने पहले लीक हुआ है कि कनेडियन इंटेलिजेंस वाले इटली के वाया उसको लेके गए थे एंड देस बिकॉज वो ऑब्वियसली इस तरह की मेनिपुलशंस कर रहे होते हैं डीपर इंटरेस्ट होते हैं इस तरह टर्की को देख लें उसने पीके के को भी एक जमाने में पाला उसने आईसीएस को भी एक जमाने में पाला कनेडियनिजें एक तो इजेशन बन गई ना आपने जब एक बना दिया फिर तालिबान कर रही है तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशन कितने और मुल्कों ने बनाई है विचार पहलीत आप सुन लें इराक के बॉर्डर पर एक, एक जमत थी जमात तोहहीद वाल जिहाद ठीक है वो इराक और सीरिया के बॉर्डर पर ऑपरेट करती थी उस जनरल लॉलेसनेस के अंदर जब इराक के अंदर वॉर चल रही थी अबू बकरबदादी वॉज इन अबू गेब प्रि ये करंट लीडर था जो ट्रम्प पैरा के अंदर एक टारगेटेड अटैक के अंदर कत्ल हुआ था अबू ग्रेब के अंदर अमेरिकन कस्टडी के अंदर के सात आठ साल रहा था जहाँ सारी नेटवर्किंग और पॉलिटिकिंग हुई थी और फिर जब ये रिलीज हुए थे बहुत स्ट्रेंजली सो so, किसी भी नगोसिएशन के तहत नहीं किसी भी एक्सचेंज के तहत रिलीज नहीं हुआ था तो ये बहुत बड़ा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है अमेरिकन के ऊपर कि आईसिस आइसिस को वेपन्स ड्रॉप्स मिलते थे तो उनके ऊपर अमेरिकन इक्विपमेंट होती थी ठीक है ना

ठीक है वो सारी मूवमेंट्स टीम लूज कर चुकी हुई थी गैस निकल चुकी हुई थी बंदे ऑन मैच कत्ल हो चुके हुए थे या भाग चुके हुए थे दूसरी जगह पनाए ले चुके हुए थे इराक वॉर सिमर डाउन करके सेटल हो चुकी हुई थी जो उनकी इंकर्जन टू सीरिया और उनकी जो एग्जैक्ट टैंडम विद इन टैंडम विद द अरब स्प्रिंग आइसिस की जो आती है इट्स वेरी इनऑर्गेनिक आइसिस के ऊपर बहुत

जी उनको जंग प्रोलॉन्ग करनी थी उन्होंने देने थे उन्होंने ये भी बना दिया, दिया है। आपस में लड़ते रहे जिस तरह मुल्क भी लड़ते हैं तो दोनों तरफ अमेरिकन वेपन यूज हो रहे होते हैं हमारी दुकान चलती रहेगी ये आपस में लड़ते रहे सीरिया के अंदर थी उनकी इवन इन दैट केस जो हमारा ओरिजिनल आपका नोशन था कि जो पाकिस्तान करता है सारे मुल्क करते हैं सारे मुल्क नहीं करते कुछ कुछ मुल्क करते हैं अमेरिका जैसा मुल्क करते हैं वो भी अपने मुल्क में नहीं करते ये है ये अपने अपने मुल्क में नहीं बात उधर जाके कर लो मेक्सिको के बॉर्डर पे आइसिस खड़ी की कि यार बॉर्डर बचा ले यहाँ पे भी शरारत करूं जी सर्थ सर्थ अगर सर्थ आप, तो अगर आप ट्रंप के जमाने में क्यूअन ऑन वाली तहरीक देखें जिसके ऊपर काफी सख्त इल्जाम लगाए गए हैं कि ये भी एक

अच्छा जो है वो आप नहीं मानते ये ये सायाप है जो यूएस <laughs> जो यूएस फोर्सेस ने ऑफिशियली वीडियो रिलीज किया है देखो दो तीन नेवल पायलट्स ने आके एडमिट किया है वो विसल ब्लोअर्स हैं सर विसल ब्लोअर अच्छा आप कह रहे हैं वो जानबूझ के यूएस वालों ने विसल ब्लोअर किए ताकि जो सायाप बटन इन दिस दिस नो एक बहुत अच्छी ये आपको आप जिंदगी में आपको हेल्प करेगी वाई यू नो एट्रीब्यूट टू मैलेस वीब्यूट ऑफन टाइम्स जब हमें लगता है कि ये एक कमरे में लोग बैठ के फोर्डी चेस खेल रहे हैं कि इन्होंने जान बूझ के विसल ब्लोवर्स खुद क्रिएट किए ताकि वो एक एलियन वीडियो रिलीज करें ताकि ये हो इतना कोई, इतना कोई benign, भी सोचता इवन कोई मोर बिनाइन इट्स इट्स मोर मंडेन आई अंडरस्टैंड दैट बट द सिंपल एक्सप्लेनेशन इज कि एलियंस एक्चुअली हैं बेसिकली अब अच्छा हम पाकिस्तान पे आ जाते हैं मुझे लगता है दो मिनट में वो कहने वाले हैं कि एक्चुअली सीआईए ने जेएफके को गोली मारी थी नहीं एफबीआई ने मारी अच्छा अच्छा यू यू आल्सो थिंक 911 वाज एन इनसाइड जॉब यस

ट that, yes. की देर आई विल लूज यू सो कंस्पिरेसी थ्योरी कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होती नहीं, है बट देन इट गोज दाइल वेर आई एम नॉट रेडी टू गोट जर्नी डू यू बिलीव कि जो मेन स्ट्रीम ने हमें पेश किए जाते हैं वो हंड्रेड परसेंट अलाइबल होते हैं Why to what you can to नहीं, so can, अगर मैं इस तरह का बड़ा इवेंट करता है जो पब्लिक कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है देर आर नो

ठीक है ना एक सेल्फ़ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मिल जाते हैं आप एक चैनल चलाते हैं आपके एक बिजनेस इंटरेस्ट है आप कुछ छोटा इवेंट होता है आप उसको बड़ा पेश करें ताकि लोगों के फियर लेवल रेज हो आप मैं सारे दिन चैनल देखता रहूं ये बड़ा एक सिंपल नोशन है जिसकी वजह से लोग कर रहे हैं इसको ये समझना कि जियो ए आर वाई डॉन समा दुनिया सब कमरे में बैठे हैं उन्होंने बोला इसको बड़ा कर दो नहीं वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अलाइन हो जाते हैं क्या पूरी दुनिया के लोग एक कमरों में बैठे वर्ल्ड लीडर्स हो लीडर ताकि ये चीज़ें होंगी नहीं ये पड़ेगा भाई नाम नहीं रह सकता एक मर्ज एक मर्ज आप क्या दुनिया आप में के? सारे लोग बैठे उन्होंने सोचा कि हम एक मर्ज बनाएं जिसकी वजह से दुनिया में फैल जाए हमें ये बेचना पड़े वो बेचना पड़े ये खरीदें नहीं मुझे नहीं लगता एक दफ़ा मर्ज बन गया तो उसके बाद बड़े लोगों ने सोचा कि हम इससे फ़ायदा उठाएं प्रॉफिट जी बिल्कुल बिल्कुल 100 परसेंट आप कह रहे हैं कि दे एक्सप्लॉयट अ गुड इवेंट एज अपोज टू ऑर्केस्ट्रेटिंग द इवेंट एंड देन सॉर्ट ऑफ सब सेल्फ इंटरेस्ट अगर आप लोगों को अज्यूम करें सेल्फ इंटरेस्ट रैशनल एक्टर्स तो वो चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाती हैं विदाउट द नेसेसिटी ऑफ कोएलिशन वी अज्यूम द वी अज्यूम अ कोएलिशन वी अज्यूम अ कोलूजन वी अज्यूम अ हायर पावर इन कंट्रोल एवरीथिंग बिकॉज इट्स वेरी सूदिंग कोइंसिडेंस जिस तरह कंस्परेसी थ्योरीज के बारे में कहा जाता है जो लोग स्टूपड होते हैं वो ज़्यादा कंस्परेसी थ्योरीज में इसलिए यकीन रखते हैं क्योंकि इट्स रीअश्योरिंग कि यार पैं पहले तो बारिश नहीं होती थी मैंने बीस साल देखा है अब इस साल बारिश हो रही है फिर बारिश हो रही है फिर बारिश हो रही है, हो रही है तो ज़रूर हार्प होगा हाँ अगर कोई वाकई मीटरोल वेदरोलॉजिस्ट है वो डेटा देखे बोले अच्छा यार ये टेम्परेचर थे ये थे ये थे इसकी वजह से ये हुआ पर इतना समझना इतना पढ़ना मुश्किल होता है तो हार्प ने कर दिया आसान होता है बिकॉज यू नोटिस एन अनॉमली एंड देन इट मस्ट बी मैलिस इट मस्ट बी इंटेलिजेंट डिजाइन इट मस्ट बी बाय ह्यूमन एक्शन अच्छा शिजाद भाई दिस इज ना देर आर टू फॉर्म्स ऑफ कंस्पिरेसी थीरीज जी सर ठीक है जिनको आप एनालाइज कर सकते हो एक साइड पे यू कैन गो टू दैट साइड कि यार सारे ना असल में रेप्टाइल्स हैं और मार्क जकनबर्ग क्या है उसका जिसने किताब डेविड 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 आप है 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 ना पसंद नो ऑफ 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 कोर्स जॉब जॉब वन वन फॉर्म फॉर्म जी वाज अ कहीं तो लाइन है, है अच्छा, sort of अगर हम देखें 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस सारे बड़े बैंक्स हैं इन्होंने मॉर्गेज uh, बैक्ड अपने बॉन्ड्स दिए इन्होंने जी. सेल किए जब वो बबल बस्ट हुआ तो ऑल ऑफ अ सडन यू सी के जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन आती है इनको बेल आउट्स देती है एंड यू सी के जितने भी बैंक्स हैं विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस वो उसके अंदर से निकल गए हैं उन्होंने अपनी हेजोमनी वहाँ पर रखी गई क्लियरली देर इज ऑफ आर आर द गवर्नमेंट समयूडिंग विद बिग बिलियन और जो सारे कैपिटल होल्डर्स हैं ठीक है अब जो स्टेट है दैट्स नॉट दैट वो तो कहते हैं कि हमने इकॉमी को फिक्स करने के लिए किया क्योंकि इकॉनमी कलेप्स कर जानी थी बट अगर आप थोड़ी तहकीक करें आप कहते हैं यार इट्स कंस्पिरेसी बाकी सर ठीक है जी. तो कि लाइक डिफरेंट डिग्रीज होती हैं एंड आई थिंक जो ये अमान बात कर टेक्निकली डीप स्टेट्स एडवर्ड स्नोडन ने कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं लीक की about... हाँ बट अगर आप मुझे अब आप, आप कहें कि एडवर्ड स्नोडन साए ऑप्स है

ऑब्वियसली अभी मेरा एविडेंस नहीं है बट सीमिंगली ऑब्वियसली ये जो सारे बिजनेस ओनर्स हैं ये पॉलिटिक पॉलिटिशंस के साथ मिलते हैं बैठते हैं क्योंकि लोकल है हमें समझना शायद आसान हो जाए तो इन्होंने बोला होगा यार हमें दे दें उन्होंने बोला दे दो तो उसमें कोई दोस्ती आ रही हुई होगी बिल्कुल हुई होगी जिस वजह से दिया गया होगा हो, हो सकता है उसमें थोड़ा एलिमेंट ये भी हो कि शायद इकोनॉमी स्टार्ट हो जाए ग्रोथ आ जाए ये सारी चीज़ें होंगी जहाँ आप वो क्लूजन सजेस्ट कर रहे हैं यू विल लूज मी इज इफ यू से मर्ज बनाया गया ताकि वो टर्फ दे के उससे फायदा उठा सकें दैट्स वेर यू विल लूज मी जी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया उसके बाद ये जो बैंक से उनके पास इतनी पावर है कि उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि बेटा ये जो आपके सारे रिपब्लिक सेल्फ इंटरेस्ट रैशनल एक्टर्स कि आपको जो मैं इतने साल लॉबिंग के पैसे देता रहा हूँ किस काम के लिए दिए हैं मैंने ये लॉ है आप ले पास करें जी बिल्कुल पर अगर आप मुझे कहें कि बैंक्स और गवर्नमेंट साथ बैठी है उन्होंने बोला फाइनेंशियल क्राइसिस बनाएंगे ताकि हम ये कर सकें देट्स वेरी लूज मी अरे ये फेयर डिस्टिंगशन जी नाइन अलेवन हुआ उसके बाद ये सारे बैठे और उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान पर जंग करते हैं उससे हमारे ये ये पैसे बनेंगे हमारी इंडस्ट्री चलेगी बिल्कुल वहाँ क्लूजन हुआ उन्होंने नाइन इलेवन किया ताकि वो ये कर तो सके गल्फ ऑफ टोंकिन की अगर मिसाल ले लें सो yes. so, नाइन ना इलेवन टाइप अगर मिसाल तौर तो पर मिसाल देना चाहता हूं अब

और हम ये एक्सेप्ट नहीं करते ली हार्वी ऑसवर्ड जो था वो लोन शूटर था उसकी एनफील्ड राइफल थी वो यहां खड़ा हुआ था और ब्ला, 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 ब्ला। लेकिन आप फिर देखें ना उस ली हार्वी ऑर्जल्ड के साथ क्या हुआ उसको जैक रूबी ने आके गोली भी मार दी मैं बहुत डीप जा चुका हूँ जे एफ के वाली फिर जैक रूबी जेल गया फिर जैक रूबी का डॉक्टर जॉली वेस्ट निकला उसको नशा दिया फिर वो पागल हो गया मतलब I'm very deep on the JFK फिर thing, भाई मार दिया उसका which is why I agree with all of these questions Oliver Stone की भी अगर आप बातें सुनें ठीक है, है ना I would tend to agree with Oliver Stone on his analysis as well which is closer to what you're saying which is why मैं JFK में नहीं पढ़ना चाहता बताइए आप क्या कह रहे थे अच्छा so मैं I was trying to bring it back to जो original debate थी कि अच्छा हम we accept कि there is some level of collusion जो हो रही है undeniable यार so नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्सेप्ट कि देर आर डीप स्टेट ऑपरेशन जो थ्रू आउट दर्ल्ड चल रहे हैं राइट लाइक सी आई डी डी क्लासीफाइड से नाउ नो कि उन्होंने कूज मैन्यूफेक्चर किए थे इसमें कोई शक नहीं है देर इज लाइक दिस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो आपको प्रजेंट किया जाता है कि ये देखें ये एक साफ सुथरा पैकेज बी ऑल एंड ऑल वो देखें वो मुल्कों ने तरक्की कर ली वेयर वन यू डेक डीपर यूर लाइक अच्छा सौ साल इन्होंने दुनिया को लूटा यहाँ से इन्होंने पैसे साइफन ऑफ किए इनके मुल्क चल गए अब इन्हीं के इदारे आके हमें कह रहे हैं कि यार जो हमने पॉलिसीज अपनाई थी वो आप नहीं अपना आ सकते क्योंकि आप हमने जो आपको कर्जा दिया था वो आपने हमें वापस करना है ठीक है तो डोंट यू थिंक कि इस पॉइंट पे थोड़ी हमें लीवे देनी चाहिए कि ये तो हो रहा है दुनिया के अंदर अगेन वही सेल्फ इंटरेस्ट रैशनल एक्टर्स वाली बात है ना अमेरिका आपके लिए नहीं पागल है अमेरिका वो आप उसके कुछ सगे लगते हैं वो आप आसान कर रहे हैं नहीं उसको पता है अच्छा चलो जब मेरा जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट होगा आयल मनी का वो खोल दूंगा मेरे जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट पूरे हो जाएंगे ये भी बात गलत है कि अमेरिका पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से जाता है नहीं बिल्कुल भी नहीं अमेरिका डिकटेटरशिप जाता है आप हिस्टोरिकली देख लें अ डिक्टेटर इन पाकिस्तान इज़ बेटर फॉर अमेरिका जी अमेरिका अगर कहते हैं डेमोक्रेसी हमारी सबसे ज़रूरी वैल्यू है उसको हमेशा वैल्यू करेंगे सिटिंग गवर्नमेंट्स के दौरान आप क्यों सिटिंग गवर्नमेंट्स को अंडरकट करके मिलिट्री से डील करते हैं क्यों करते हैं आप? आपके लिए तो डेमोक्रेसी वैल्यू है ना मैं पीआर पीआर के लिए होता सिर्फ एक ही वो वो क्या है? हाँ, होती है वो देख सकते तो द एविडेंस दैट अमेरिका इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी हैज प्रॉफिटेड हैज फर्दर इट्स जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इज नॉट एन आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इट्स एन आर्गुमेंट अगेंस्ट अमेरिका

हमारे पास रोटी खिलाने के लिए लोगों के पास है नहीं चीजें और हम सोच रहे हैं अमेरिका पूरी दुनिया में जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट करने के लिए जंगे करता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा भाई आप नहीं हो अमेरिका I agree with you, that's fine हम ये बात कैसे कर सकते हैं कि हम क्यों नहीं।, नहीं। क्यों नहीं और मुल्कों में कू कर रहे बड़ी अभी तक फ्रांस

साल साल भी नहीं हुए। साल साल भी नहीं हुए। नहीं हुए हुए और किसके बाद, हुए? एक जंग के बाद जिसमें आपने है, का है। पूरे में आपने डिस्कोर्स में देखा कि जी ईरान में अमेरिका ने क्या किया हम क्यों नहीं अफगानिस्तान में कर सकते आपकी नहीं है वो मिलिट्री अमेरिका अपने मिलिट्री बाइट से करता है अमेरिका ने इतना डेट लिया है ले लो वापस वो जो खादिम साहब कहते थे कि लोफिर गौरी आया वो अमेरिका कर सकता है कि डेड हम नहीं नहीं कर सकते बट तो आप वियतनाम ने क्या किया हम वो डिस्कस क्यों नहीं करते बांग्लादेश ने क्या किया हमने तो 71 से पहले बांग्लादेश की सारी रिसोर्स हम कहते हैं हमें अंग्रेजों ने हमारे पे बहुत जुल्म किए बिल्कुल किए हमने नहीं किए हमने, हमने बांग्लादेश की सारी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके इस्लामाबाद बनाया जी सेवेंटी से पहले तो हयुब खान बहुत अच्छी इकोनॉमी चला रहे थे उसके बाद सियासतदान नहीं क्योंकि आप एक्सट्रैक्ट आपको एक मिला हुआ था एक्सपोर्ट्स आ रहे थे वो एक्सपोर्ट से डॉलर आ रहे थे उस डॉलर से इस्लाबाद बन रहा था यू एस सपोर्ट से आपके डैम्स बन रहे नहीं थे अयूब खान को ये क्रेडिट दिया जाएगा कि चले उसने यूएस पैसे लेके कुछ काम कर दिया जो कि ज़ियाल हक ने उतने ही पैसे लिए शायद ज़्यादा पैसे लिए होंगे मुशरफ ने सबसे ज़्यादा पैसे लिए उस तरह का काम हमें नज़र नहीं आया ऑब्वियसली वो एक टॉप डाउन अप्रोच था इकनॉमिक्स उसमें नहीं जाते कुछ फैमिली अमीर हुई थी हमें ये डिस्कशन करने चाहिए ना बांग्लादेश में भी क्या डेमोक्रेसी एज सच है नहीं एक डेमोक्रेसी <laughs> कंट्रोल नजर आता है लेकिन शायद हमसे बेहतर ही हो इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी इवन डेमोक्रेटिक मेट्रिक पे आई थिंक हमसे उनकी रैंकिंग थोड़ी ऊपर होगी वो जो मुझे बनाया जाता है कि डेमोक्रेसी हाइब्रिड सिस्टम और नॉन डेमोक्रेटिक आई थिंक हम पिछले कुछ सालों में हाइब्रिड से भी नीचे आ गए बांग्लादेश ने क्या किया सक्सेसफुली जो हम नहीं कर सक रहे

के जो सारे जी। एक सोशलिस्ट थ्रस्ट ऑफ फिलोसफी नहीं था वो पॉवर्टी एवल्यूशन का बिल्कुल था वो नहीं करना चाहते हम हम बस चाहते हैं सर एक डंडे वाला बंदा आ जाए और वो डंडे वाला बंदा कौन होगा वो भी हमें पता है वही ये मीडिया नेरेटिव बना रहे होते हैं हम सारी कंस्पेरिसी थ्योरीज जो ऑब्वियस हैं उनको नहीं क्वेश्चन करते कि ये डंडे वाला नेरेटिव बना कौन रहा है जिसके पास डंडा है एक आपने बात कर चले ये चले मैं वी एक्सेप्ट दिस एनफ एन आंसर टू द डेमोक्रेसी इन ऑफ एंड वाईज्रेसी मेरिट ये बात ठीक होगी दूसरी जो कॉमन आर्ग्यूमेंट आती है जिसमें कुछ मेरिट है भी वो ये है कि यार पाकिस्तान की जियोग्राफिकल जो लोकेशन है ये बहुत ट्रबल करती है इसको कि आप इंडो पैसिफिक पॉलिसीज ऑफ़ द वेस्ट के अंदर आप कहीं ना कहीं आपको वो एज सम सॉर्ट ऑफ एक्टर उनको ये ज़मीन चाहिए ही चाहिए इन सम सेंस ऑफ द अदर तो फॉर एग्जांपल यू इस वक्त सिवाय यूक्रेन के अगर आप ऊपर से नीचे तक पट्टी लकीर खींचे तो नेटो इज प्र मच आउट ऑफ सेंट्रल एशिया अब सेंट्रल एशिया चाइना न्यू फ्रेंडशिप विद वो जो ओल्ड फ्रेंडशिप एंडेड विद अमेरिका नाउ न्यू फ्रेंडशिप विद वो जो चाइना होगी वहाँ पे आपको अफगानिस्तान में तालिबान ने अभी पहला तेल का कुआं इनाग्रेट कर दिया राइट साथ आपके इंडिया जो है वो अब अमेरिका के इंडो पैसिफिक इंटरेस्ट को लेके चल रहा है इस वक्त यहाँ पे फिर हमारे जो बड़े हैं जो मीडिया के अंदर एनालिसिस करते हैं हमारे पब्लिकली है जो बड़े थिंक टैंक्स है इवन ड्राइंग रूमों के अंदर बात होती है कि हमने किस तरह फेवर विन बैक करना है वेस्ट का क्योंकि हमारी यहाँ जियो स्टीजे इंपॉर्टेंस इसका क्या जवाब देते हैं आप यार ना अब नॉन अलाइनमेंट आमतौर पर कुछ लोग जवाब देते हैं बट मैं पहले आपको प्रियम्प्ट कर देता हूँ कि नॉन अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट ऑफ ऑप्शन लगती है हमारे लिए एट दिस पॉइंट मैं नहीं कहता कि हिस्टोरिकली थी कि नहीं बट एट दिस पॉइंट एक ऑप्शन नहीं लगती मुझे यानी मेरी अक्लैसी हो जाएगी अब

One assumes के वो क्योंकि वर्ल्ड है तो पाकिस्तान में भी आएगा उसकी बेसिस पे आपने एक थ्योरी बना दी जिसका कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं था एक थॉट था ना यहाँ मकरा, बैठे मकरान में। कोस्ट जो है ना मकरान कोस्ट इट इज द हम वायबल पोर्ट इन अगेन

इसको कनेक्ट करना नहीं तो मुसलमान हमेशा से ही चाहते थे ये तो गजबा हिंद इनकी फ्रीरियल तो एनालिसिस right? तो करता हूं सोवियत यूनियन की सी पोर्ट फिर कहां बनती थी अगेन वीर टॉकिंग इन एबस्ट्रैक्ट आई एम आस्किंग नाइनटीन फोर्टी सेवन वेन यू सेट यस सोवियट कम टू पाकिस्तान क्या कुछ कहीं से इंफॉर्मेशन आई कोई इंटेलिजेंस आप I, मुझे बता देना मैं मैं मैं, मैं से बैक दे मुझे पेपर दे, 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 दे हैं। आप मुझे हिस्टोरिक पुश बैक दे रहे तो हिस्टोरिकली जाना तो फिर आप किसी भी उसमें कोई 200 साल पहले तो नहीं थे आपकी पॉलिसी कोई 20 साल 30 साल पुरानी है

इस एनालिसिस पे आप डिसएग्रीमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि एनालिसिस वुड बी कि सिर्फ ये पोस्चरिंग होती है छोटे-छोटे जो ऑपरेशंस होते हैं इनका मकसद यही होता है कि अच्छा इसमें चर, आपको इसमें आपको पोस्चरिंग चाहिए इंटेलिजेंस चाहिए सब चाहिए पाकिस्तान वाले केस में आप कह रहे हैं नहीं ज़ार्स का विजन था तो फिर रशिया करेगा बट सोविएट्स ने फिजिकली ऑक्युपाई कर लिया था हमने भी किया ना सर नहीं

आपने स्ट्रेटिजिक डेप्थ के नाम पे क्या किया हम हम अल्लाह ने हमें यहाँ पे पाकिस्तान बना दिया हमारे बड़े मसले हैं हमारे बॉर्डर बहुत बड़े आपने किया क्या उस बॉर्डर के साथ ठीक है हमारा हमेशा से मसला रहा है कि इंडिया बहुत बड़ा है हम पे कब्जा कर सकते हैं किया इंडिया ने नहीं किया आप कहते हैं जी पॉस्चरिंग होती है डीमेशन होती है हमने की ना हमने इंडिया को एक बिग बैग वर्ल्ड बनाया नाइनटीन सिक्सटी से तो खुला बॉर्डर था लोग आते थे जाते थे कितने टेरर्स भेजे इंडिया ने नहीं हुआ कितने भेजे इवन ने कहा था कि कनाडा और अमेरिका की तरह होंगे खुला बॉर्डर आपने रखा हुआ है हम यहाँ कश्तियों में जा जा कर अभी अटैक कर रहे होते हैं मुश्किलों से जहाँ सारी सिक्योरिटी है नेवी है चीज़ें खराब है सिक्सटी फाइव तक बॉर्डर खुला था आपने बीस साल बेचा कि इंडिया तो उनका मकसद ही मकसद है हमेशा से पाकिस्तान को बर्बाद करना तो सिक्सटी फाइव बॉर्डर खुला है भेज देते है टीम्स टेरर्स कितने भेजे उन्होंने नहीं भेजे डजन होल्ड अप सिक्सटी फाइव हम सेलिब्रेट करते हैं एज डिफेंस डे किसने शुरू की इंडिया ने जंग शुरू किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने जंग शुरू की उसको हम डिफेंस डे मनाते हैं पाकिस्तान काशू हमने तो कश्मीर में की थी आपने लाहौर में क्यों कर दी भाई वो आप जंग कर रहे हैं किसी पर तो वो क्यों नहीं करेंगे ठीक है ना फॉल्स नोशन सो द जो आप जो वी समाओ अज्यूम चीज़ें मैक्यूम में हो गई हमारे जियो मसले हो गए सर तुम्हें की किता बांग्लादेश

हम अगर अपने अजायम जरा तो छोड़ देना डीजेशन डियू, डियू, तो ऑप्शन नहीं फिर बनती ना आपने किताब में डी लिखी हुई है नहीं मैं मैं वैसे मैंने मैं बोला मैं 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 ऐसे कहां से आया नॉर्मलिसी के अंदर डीलिटराइजेशन इन्वॉल्व हो गया ना मैंने बोला ना किताब में लिखा मिसाल तौर पे यूक्रेन की अगर बात करें यूक्रेन ने डीलिटराइजेशन की और नॉर्मलिसी की तरफ गया क्या हुआ यूक्रेन नॉर्मलिसी इक्वल्स टू डीन्यूक्लियराइजेशन किसने ये बोला

नहीं कौन खिलाफ है यार पाकिस्तान के जो बेचारे हालात रहे हैं हमारे यू थिंक कोई मुश्किल था लोगों के लिए हमने खुद ठीक है कुछ शहर के लोग इस ालम से उन का शौक़ सी हमने खुद अपने साथ जो किया है कोई ज़रूरत है किसी को एट दिस पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पाकिस्तान टू क्रम्बल हो सकता है वो यूं दीवारें खड़ी करते बोलते सर आप जो कर रहे हैं करते रहे नहीं, नहीं, लगे हमारी ज़रूरत नहीं है आपको तो बहुत अच्छी बात किया ये जो एक आइडिया है कि पूरी दुनिया चाहती है पाकिस्तान तबाह हो जाए क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो तो नॉट रियलीफ एनी थिंग योर जियो पोलिटिकल प्रेजेंस इज अ वे टू तो कीप इंडिया इन चेक जी ये इसी बात जी है इश्तियाक अहमद की गैरसन स्टेट वाली थ्योरी है तो अगर आप उस थ्योरी को लेकर आके चले तो फिर तो जो पूरा वेस्ट है वो प्रो पाकिस्तान है ताकि इंडिया जी कंट्रोल में रहे अगर कोई दुनिया को थ्रेट हो सकता है तो वो इंडिया से हो सकता है पाकिस्तान से नहीं हो सकता hmm. इंडिया इज अ ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया इज समथिंग दैट कैन यू नो आंख में आंख डाल के उनके साथ बैठ सकती है जो कि आप दुनिया ने एक्नॉलेज कर लिया है ऑलरेडी कर रहे हैं पाकिस्तान जी दुनिया को थ्रेट देगा नहीं थोड़ा सा शहजाद भाई टॉपिक चेंज करते हैं जी सर जी थोड़ा सा लाइक हम स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली पाकिस्तान बेस करें हम लोग अक्सर क्या कहते हैं काम करते हुए ना सलाम पानी सर अक्सर काम करते हुए और आई uh, थिंक हमें मानने में भी कोई इतराज़ नहीं कि हम सारे लाइक रिलेटिवली प्रवलेज क्लास थे और हमें एक्सेस टू एजुकेशन था सेफर सिटीज़ थी और हर फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल था फिर हम ऐसे कारोबार में भी चले गए जहाँ पे पाकिस्तान में वायद कारोबार जो रह गए वही कारोबार <laughs> है तो और स्टेट स्पॉन्सर्ड कारोबार है माशा तो उसकी वजह से हमेशा ये एक ना आफ्टर सर्टन पॉइंट डिसडफ्रेंचाइजमेंट तो होती थी लेकिन Uh, एक बेसिक बंदे की प्रॉब्लम समझ नहीं आती थी इट वॉज इफ है कहते हैं कि एक हमारी अपनी यूटोपिया उसमें हम एग्जिस्ट कर रहे होते थे तो उसी में पैसा सारा मूव अराउंड कर रहा होता था हमने जो एक चीज़ लाइक हमारी ये पॉडकास्ट शुरू करने का पर्पस क्या था कि इवेंचुअली हमने आम लोगों के इंटरव्यूज़ करने ट्रैक करने अपनी लर्निंग के लिए भी और ऐसे महसूस होता है कि बहुत कम पॉडकास्ट हैं और चैनल्स हैं जो एक्सेस दे रहे हैं या आपको लेंस आपको एक एंगल देते हैं किसी आम बंदे की ज़िंदगी में और उसके प्रॉब्लम्स और दिक्कत और तकलीफ क्या है मैं पर्पज़ क्वेश्चन का ये था कि आपने जब पॉडकास्ट शुरू की थी और फिर आप सबसे कोई ली उसको इतना टाइम हो गया तो उसका इंटरेन्ट पर्पस ओवर टाइम चेंज थॉट थी इसके अंदर आपकी सर मेरी पॉडकास्ट एक सहाय थी <laughs> असल <laughs> ने खुद सोचा कि हाँ पॉडकास्ट बनाए जो हमें तनकीद करे ताकि ऐसा लगे कि पी -पी -पी तो आपको फंड देती है अच्छा तो तो दे तो दे मजे की बात यह है कि इल्जाम लगते हैं मुझ पर और मैं वाहिद आदमी हूँ आप लोग को तो बुरा लगेगा आप लोग की इंडस्ट्री है जिसने पी 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 और बहरिया टाउन पे खुल खुल के पॉडकास्ट की हुई है हाँ जो कराची वाला जो सारा मेरे अलावा कोई कोई नहीं करता कोई नहीं करता जो लोग बोलते हैं कि यार हम लोग एंटी पीपीपी हैं वो लोग तो उल्टा फेवर में कर रहे होते हैं तो मुझे पीपीपी फंड कर रही है उनको गालियां देने पी पीपीपी को गालियां देने के ऊपर तो बहुत अच्छा फंड कर रही है यार मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक इलीट पार्टी हैं अगर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग लोगों को अबेंडन करके एड पावर कॉरिडोर में डील्स करके पावर में आते हैं अगर मैं कह रहा हूँ कि आप इस्टेब्लिश इंक्लूड इस करते हैं अगर मैं कह रहा हूँ कि आप एलिट इंटरेस्ट लाइक मलिक रियाज के साथ बैठकर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं अवाम को सिंधी विलेजर जो हैं उनको मार कर पुलिस ले जाकर उनकी ज़मीनें चोरी कर कर रियल इस्टेट बना रहे हैं पीपल्स पार्टी और वो ही मुझे फंड कर रही हैं ये कहने के तो बहुत ही अच्छा साफ है सर फिर तो जरदारी वाकई कोई फोर डी चेस खेलना आई थिंक बेसिकली एक ना पाकिस्तान के अंदर स्पेड को स्पेड कहने का ट्रेंड ही नहीं है लाइक like, एक बाजार आपको नजर आ रहा था चीज जो ऑब्वियसली नुकसान दे और स्टूपेड है लेकिन लोग उसको कॉल आउट नहीं नहीं करते मैंने मलिक रियाज का नाम टीवी पे कभी कभी सुना बहुत रेयर हो वो खुद जब उन्होंने उन्होंने स्टार्ट में जब टू थाउजेंड थर्टीन के अंदर जब वो खुद आना चाहते थे तो वो टॉक शोज पे आए न्यूज पे और जब वो खुद उन्होंने कहा कि अब वो ना आए उसके ऊपर और उनका नाम भी ना आए तो फिर वो नहीं आता वो बच्चे हैं अभी जरा गूगल करें मलिक रियाज मेहर बुखारी मुबिरमान <laughs> आपको समझ में आ जाएगा जाएंगे इंटरव्यूज कैसे होते थे जिन्होंने कुछ नॉट इवन मिन टोल्ड गुड फॉर अस अगर कराची वाले बहरिया टाउन देखते हैं उनको वो अच्छा लगता है क्योंकि वो फाइल खरीद सकते हैं पैसे वैसे डाल के तो उनके पैसे बन रहे हैं तो उनको लगता है ओ ये तो एक अच्छी चीज़ है वो जब गुलस्तान जौहर में गन देखते हैं बोलते हैं ये तो बुरी चीज़ है इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गाली दो गुलान जौहर तो कैंटोनमेंट एरिया है तो अगर बोर्ड के अंडर आता है तो अगर कैंट बोर्ड के अंडर आता है।, है, तो है और उसमें कोई मसला है तो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्यों गाली दी जा रही है अगर डी में पानी खड़ा हुआ है तो क्या काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करे आप एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं थिंग्स आई क्रिटिसाइज विच आर एक्चुअली बैड फॉर द पीपल अ लॉट ऑफ द इलीट ऑडियंसिस डीएचए में बैठे हुए दे थिंग दैट्स गुड फॉर द पीपल द थिंग्स वेर आई डिफेंड के अगर कोई डीएचए में पानी खड़ा है और वो पी 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 गालियाँ दे दी है नाम लाइक ये पीपी -पी, ये काम नहीं है तू तो ज्याला है तू तो डिफेंड करे नहीं मैं कह रहा हूँ कि जिसका काम है उसका नाम लेके जरा गाली तो धोना मैं तो वो चाह रहा हूँ वो आप करेंगे नहीं इवन 2020 में जब डीएचए करोड़ों का, का नुकसान हुआ था एक दिन प्रोटेस्ट हुई वो जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले थे उन पर एफ हो गई अगले दिन कोई नहीं आया तो ये तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके बिजनेस इंटरेस्ट है तो सियासतदान को गाली देके सो जाना इस मुल्क में सबसे आसान काम है सॉरी सर आप कुछ कह रहे थे मैंने एक जगह देखी मैं यही आपने बहुत अच्छी बात की मैंने एक जगह देखी थी कराची में एक जा रहा था शादी के लिए वहाँ पे मैंने एक एरिया देखा था उसका नाम था असद मेरे साथ था बल्कि हम किसी शादी जाहार थे मच्छर कॉलोनी हाँ हाँ मच्छर कॉलोनी आपको इस जगह का नाम पता नहीं सर बिल्कुल यार को पता वो है। क्या है लाइक वो आप उसको जब देखते हो मिसाल तौर पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे वो किसके अंडर आती है लाइक वो म्यूनसिपल गवर्नमेंट के अंडर आती है या वो किधर कितने प्राइवेट एरिया है या लोकल गवर्नमेंट के अंडर ही आएगी सर मैं अगर आप लोगों को सच बताऊँ आई थिंक जो लाहौर से लोग कराची आते हैं और वो थोड़े परेशान हो जाते हैं वो वही अक्सर मेटेलिटी है जो अगर आप ये डीएचए के ग्रुप्स में हो वो कहते हैं बेगर शुड बी थ्रोन आउट ऑफ डिफेंस वो ये नहीं कहते पॉवर्टी शुड बी अरेडिकेटेड कहते हैं गरीब बंदा हमारी आंखों के सामने ना आए तो आपने माशाल्लाह अंडरपास बना बना कर अपने रस्ते गुलबर्ग टू डिफेंस इस तरह कर दिए हैं किबत नजर न आए चार्डर प्रिंट कहाँ है जी कहाँ वाई ब्लॉक के बीच में डिफेंस वाले को नजर नहीं आता ठीक है जी डिफेंस बहुत साफ है जो वो साफ करने आता है उसके घर जाओ जी किसी घर में जो डोमेस्टिक स्टाफ आ रही है वहीं वही से नहीं आ रही है, आ रही है। तो रखा क्यों आपने चर्टर पेंट आपने एक स्लीव कॉलोनी बनाई हुई है स्मैक इन द ऑफ योर नेबरहुड

टैक्सीज ऑफ दर प्रोविंस अलहमदुल्ल टू बिल्ड सो मैनी कॉरिडोर जिनको सक्सेस समझा जाता है कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो कि एक्चुअली आपकी सक्सेस है कि आपने एक बस दे दी उसको आप जंगला बस गरीबों के लिए सब्सिडीज पता है क्या क्या गालियाँ देते हैं लेकिन आप लोग सबको जो सब्सिडीज मिल रही हैं कि यार मैं डिफेंस से गुलबर्ग बस दस मिनट में आ जाऊँ और रस्ते में कोई सिग्नल ना मिले वो किसको मिल रही हैं वो गाड़ियों वालों को मिल रही हैं ना वो उसको हम सब्सिडी समझते नहीं। भी नहीं है तो आप लोगों ने एक गुरबत को छुपा बहुत खूबसूरती से लिया है कराची बड़ा इतना ज़्यादा है कि वो चीज़ थोड़ी मुश्किल भी है जूरस मतलब थोड़ा सा भी आप कहेंगे कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहूँगा पीपल्स पार्टी ने नून लीग थोड़ी फिलोसफीज थोड़ी अलग है फिलोसफीज थोड़ी अलग है विच इज़ ऑल्सो वाई कमिंग बैक टू दार्टी आई डोंट लाइक आई केन आई कैन एटलीस्ट टेल यू वट पी एम एल एन स्टैंड फॉर कि अब वोट फॉर पी एम एल एन एज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे रोड शोड बनाएंगे इनको लगता है कि दिस इज दार्ट टू सक्सेस पी बी पी करे ना करे वाकई बट उनकी एक फ़िलासफी है अच्छा जी सोशल वेलफेयर करेंगे बेनजीर जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बुरा था करप्शन था वोटर्स को पैसे दे रहे थे वो एहसास हो गया तो अच्छा हो गया uh, सेहत कार्ड पीटीआई की सबसे बड़ी सक्सेस है वो जी पी टी आई वो शुरू पी 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 ने की थी वसूलें सेहत एज पार्ट ऑफ द बेनज़ीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम तब उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता था तो एक है फिलोसफी थोड़ी अलग है वो होती है खर्च नहीं होती वो फिर करप्शन के जो इशूज़ हैं वो लोगों पीपल हैव टू डू द नंबर्स टू सी वेयर द मनी इज गोइंग मेगा प्रोजेक्ट्स में भी उतनी करप्शन होती, होती है।, है बिल्कुल होती है तो यस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उनका फोकस कम रहा है एक हिस्टोरिक मसला भी है कि 1947 में आपकी पेरेफरीज की क्या डेवलपमेंट थी कुछ भी नहीं थी तो सिर्फ 47 से मसला नहीं है कि के पी बलोचिस्तान और सिंध डेवलप नहीं है 47 में नहीं थी डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज नहीं थी लेटल ऑन दीज प्लेसिस तो देर एज बिन एन हिस्टोरिक अंडर डेवलपमेंट दैट हैज़ कंटिन्यूड फ्रॉम फ्राम द्रिट्री इंडिया में थी जी सारा जी यहाँ पे भी जो था वो फार्म लैंड एग्रीकल्चर ये वो पंजाब में था ना

और अमान की जो बहस होती है ना मुझे ऐसे मजा भी सुनने में गया कि हाँ अमान ही कम जवाब दे अमान आप कब गए थे यूएस पहले अच्छा इसमें एक बड़ी मेरे पास स्पिन बॉल है मेरे पास कर्व बॉल है मैं कभी अमेरिका गया भाई नहीं हाँ <laughs> तो बहुत ही मिडिल क्लास <laughs>

अनाउंसमेंट्स की और पॉडकास्ट नहीं रिलीज की तो अच्छा नहीं होगा <laughs> तो मैं आप अनाउंसमेंट्स नहीं कर रहा कोई <laughs> नहीं नहीं बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन वी आर ग्लैड कि इस तरह की कन्वर्सेशंस हो रही हैं बेशक हमारे नजरिए नहीं मिलते बट एक मोजेस तरीके से बैठ के बंदा इस तरह डिस्कशन करे आई थिंक इसी में बेहतरी है सर अगर हम चाय पे बैठे होते तो हम इसी तरह बात कर रहे होते एग्जैक्टली ठीक है exactly. और हम उठते तो बोलते मज़ा आया थोड़ा सा we'll थोड़ा सा होता है लेकिन... थोड़ी गालियाँ ज़्यादा होती <laughs> <laughs> तो वो अक्सर ऐसा होता है कि डिबेट भी जब होती है ना तो ऑडियंस बोलते हैं यार फड्ढे चल रहे थे नहीं हमने आपने जिस पॉडकास्ट की जिक्र किया उसके बाद हम चाय पे बैठे हैं बड़े घंटे मैं और मुजमिल चाय पे बैठे हमने वो छिल किया बातें बातें की तो अक्सर जो डिसग्रीमेंट है क्योंकि हमने उसको एक जिंदगी मौत का मसला बना दिया है ऑडियंस को लगता है नहीं डिसग्रीमेंट हो गई तो बस आप ये नफरत करते हैं आप लोग जैसे इंडस्ट्री में मुझे से इंडस्ट्री से मसले हैं हम बैठे हुए हैं हमें खुद बड़े मसले हैं सो दिस थिंग्स शुड बी इंकरेज मोर कॉन्वर्जेशन एंड मोर पीपल डूइंग स्टफ लाइक दिस इज ग्रेट सो मोर पावर्टी यू कैस